पहले से ज्यादा ताकतवर है। गाइस, होशियार रहना। क्रोश अटैक। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और लेवल क्रॉस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। लेवल क्रॉस 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसे नवोदित और फराज अयूब ने लिखा और निर्देशित किया। फिल्म में आसिफ अली, आमला पाल और सराफुद्दीन हैं। लेवल क्रॉस 26 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अरफाज अयूब, जिन्होंने पहले जेठू जोसेफ की सहायता की थी, इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करें। फिल्म के बड़े हिस्से ट्यूनिशिया में शूट किए गए थे। फिल्म मकान 28 मार्च 2023 को शुरुआत ट्यूनिशिया में और शेड्यूल 18 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। फिल्म का मोशन पोस्टर 23 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया। संगीत विशाल चंद्रशेखर की तरह रचित था। आमला पाल ने एंटी प्रीनीली रूपम गीत के साथ पौर्य गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। सभी गीत विनायक शशि कुमार की तरह लिखे गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि आखिर का जो चीज़ इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को दिलचस्प और रोमांस बनाती है वह यह है कि कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चना जर ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यह एक ऐसी फिल्म है जो उन दर्शकों को पुरस्कृत करती है जो जटिल आख्यानों और प्रतीकात्मक कहानी कहने की सराहना करते। इसका कलात्मक दृष्टिकोण इसे एक असाधारण शुरुआत बनता है। हालांकि इसकी अपरागत शैली सभी दर्शकों को पसंद नहीं आ सकती है। टाइम्स नाउ की रोहित पनिकर ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा, केवल लेवल क्रॉस कहानी कहने का एक रोमांच और दिलचस्प प्रयोग है और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो निश्चित रूप से थिएटर में एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। OTT प्ले के संजीव सिद्धार्था ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, अगर आप धीमी गति से जलने वाले मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की प्रशंसक है तो अरफाज अयूब की आत्मविश्वास से भारी शुरुआत एक घड़ी अच्छा घड़ी है। लेवल क्रॉस ने दुनिया में 50 करोड़ 61 21 की कमाई की और समीक्षकों के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एडम वर्ल्ड ऑफ इमोजिनेशन के तहत 2050 की फिल्म कोहिनूर में बतौर नर्मदा अपनी शुरुआत की। जिस सफर बाद में उन्होंने 2060 की फिल्म कवि ऊँचे शिकायत का निर्माण किया और भी विमानम और इबलिस सहित कई फिल्मों का वितरण किया। आसिफ अली का जन्म 4 फरवरी 1969 को करी कोडे थोटू पूजा एडू की भारत में हुआ था। उन्होंने मैरियन कॉलेज कुटीतनाम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान आसिफ ने विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की और वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया। आसिफ ने 1994 में जमा मजरीन से शादी की। उनके 2 बच्चे उन्हें श्यामा प्रसाद ने अपनी फिल्म रीतु में मुख्य भूमिकाओं के से एक निभाने के लिए चुना और
आलोचकों से अरदासपुर से सकारात्मक की समीक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सत्यनेठी कर ने अपनी फिल्म कधा थुडारूनु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनकी तीसरी फिल्म स्टीवी मलिल की तरह निरेसी अप्रू रागम थी। उसके बाद से उन्होंने बेस्ट ऑफ लॉ और ट्रॉफिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म राजेश कनकरा की तरह लिखित और निर्देशित एदो नामूरे कथा थी। 22 में अली ने आसिफ अबू की दूसरी फिल्म सॉल्ट एंड पेपर में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने मनु राघव की भूमिका निभाई, जो एक लापरवाह युवा चरित्र थे जो अक्सर खुद को जरूरत से ज़्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश में अजीब परिस्थितियों में डाल देता है। उन्होंने डॉक्टर लव इंडियन रूप मलूसी और उस्ताद होटल में छोटी भूमिका निभाई। 2030 में वे जीन पॉल लाल की पहली निर्देशित फिल्म हनीबी में नजर आए, जहाँ उन्होंने सिविल सिटीजन की भूमिका निभाई, जिसके बाद नोरी जिस जाय की बाइसिकल ट्विस्ट में काम किया। अली ने आयरम अरनुमाई गीत की चार पंक्तियाँ गाई, जो मूल रूप से फाजिल के नोके दहा थू करुम नटो में शामिल है। उनकी अगली रिलीज पकीरा मोसाइले कुथिरा मीनोकल और हाय आई एम टोनी थी। उन्होंने सब मस्ती तस्कराह में सबाब की भूमिका निभाई और वेली मुंगा में एक छोटी भूमिका निभाई। 22-5 में वे निर्णय कम की कोइनूर और राजमा यहू में दिखाई दी। उनकी फिल्म अनुराग क्रिएकर वेलम 22-6 की सुपरहिट फिल्मों से एक बन गई। उन्होंने हनीबी 2 के लिए जीन पॉल लाल के साथ फिर से काम किया। 22-3 की बॉक्स ऑफिस पर सफल हनीबी का सिक्वल। इसके बाद वे महेश नारायण की टेक ऑफ में दिखाई दी। फिल्म को दुबई के विभिन्न हिस्सों में शूट किया गया और वैप्या की आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 22-8 में उनके प्रमुख रिलीज बी टेक इवलिस और मधारम थी। बी टेक वित्तीय रूप से सफल रही, किराए में 20 दिनों तक चली। उन्होंने उस वर्ष 2019 की शुरुआत विजय सुब्रमण्यम से की, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल है। उन्होंने फिल्म उयारे में एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाई, जिसमें पावरेती और टोनी थॉमस ने अनेक किरदार निभाए थे। उन्होंने कॉलीकॉर्ड में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म वायरस में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने निसाम बसीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म केटी ओलानु एंटी मलाका में अभिनय किए, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्देशक लाल जोश ने इसे अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाई। 22-1 में उनकी प्रस्तुतियों में एलम सीरियाकुम और कुंजील डो की शामिल है। 20 जुलाई 22-4 को तत्कालीन आगामी एंथोलॉजी फिल्म मन और दंगल की ट्रेलर लंच पर संगीतकार रमेश नारायण के साथ हुई एक घटना के बारे एक वीडियो सामने आया। कार्यक्रम में आसिफ अली को आयोजकों ने रमेश नारायण को एक स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाया था, जिसे रमेश नारायण ने ठुकरा दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया, जिससे रमेश नारायण की वाइफ आलोचना और आसिफ अली के लिए समर्थन की लहरें उठी। घटना में दिखाया गया कि रमेश ने अभिनेता को अनदेखा करते हुए आसिफ के पुरस्कार लिया। आसिफ जो स्पष्ट रूप से इशारे से हैरान थे, अपनी सीट पर लौटने से पहले एक पल के लिए संगीतकार के पास खड़े रहे। फिर रमेश ने फिल्म निर्माता जयराज से स्मृति चिन्ह देने के लिए इशारा किया और रमेश का व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। 18 जुलाई 22 को रमेश नारायण ने इस घटना के बारे में सार्वजनिक माफी जारी की। इसे अनजाने में हुई परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 19 जुलाई को आसिफ अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। आसिफ अली ने सुझाव दिया कि नारायण की प्रतिक्रिया व्यक्तिगत मामलों से उपजी थी और उन्होंने नारायण की प्रतिक्रिया से खुद को अपमानित महसूस करने से इनकार किया। अभिनेता के सार्वजनिक बयान में रमेश नारायण के प्रति निर्देशित ऑनलाइन उत्पीड़न की भी आलोचना की गई। अमला पॉल के लिए ही दोनों की नकारात्मक की और समीक्षकों की विवाह 22-4 की 27 जगत के लिए दिस्ताई और
मछलियों के लिए अमला पॉल का जन्म 26 अक्टूबर 1991 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। अमला एक सीरो मलाबार कैथोलिक सीरियन ईसाई परिवार से और उनका जन्म पॉल वर्गिस डी और एनिस पॉल के घर हुआ था। अमला के फिल्म उद्योग में प्रवेश के बाद उनके भाई अभिजीत पॉल में भी फिल्मों में दिखाई दी। नर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल जलवा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए एक विश्राम लिया, लेकिन तब से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल करने के लिए कोची में सेंट टेरेसा कॉलेज में दाखिल ले रही। आमला के पिता आमला के अभिनय करियर के आगे बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके भाई ने उनकी महत्वाकांक्षा का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें अपने फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी प्रदर्शन कला है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी माँ एक गायिका थी और उनके पिता कॉलेज में थिएटर में थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीलथमारा 29 में सहायक भूमिका की पेशकश की। सफल होने के बावजूद फिल्म ने कोई और प्रस्ताव अक्सर करने में रही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और लेवल क्रॉस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। लेवल क्रॉस 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे नवोदित और फराज अयूब ने लिखा और निर्देशित किया। फिल्म में आसिफ अली, आमला पॉल और सराफुद्दीन हैं। लेवल क्रॉस 26 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अरफाज अयूब, जिन्होंने पहले जेठू जोसेफ की सहायता की थी, इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करें। फिल्म के बड़े हिस्से ट्यूनिशिया में शूट किए गए थे। फिल्म अकान 28 मार्च 2023 को शुरू हुआ ट्यूनिशिया में और शेड्यूल 80 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। फिल्म का मोशन पोस्टर 23 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया। संगीत विशाल चंद्रशेखर की तरह रचित था। आमला पॉल ने एंटी प्रीनीली रूपम गीत के साथ पौर्य गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। सभी गीत विनायक शशि कुमार की तरह लिखे गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि आखिर का जो चीज़ इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को दिलचस्प और रोमांस बनाती है वह यह है कि कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चना जर्ज ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यह एक ऐसी फिल्म है जो उन दर्शकों को पुरस्कृत करती है जो जटिल आख्यानों और प्रतीकात्मक कहानी कहने की सराहना करते। इसका कलात्मक दृष्टिकोण इसे एक असाधारण शुरुआत बनता है। हालांकि इसकी अपरागत शैली सभी दर्शकों को पसंद नहीं आ सकती है। टाइम्स नाउ की रोहित पनिकर ने इसे 5 में से 4 स्टार दी और लिखा, केवल लेवल क्रॉस कहानी कहने का एक रोमांच और दिलचस्प प्रयोग है और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो निश्चित रूप से थिएटर में एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। OTT प्ले के संजीव सिद्धार्थ ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा, अगर आप धीमी गति से जलने वाले मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की प्रशंसक है तो अरफाज अयूब की आत्मविश्वास से भारी शुरुआत एक घड़ी अच्छा घड़ी है। लेवल क्रॉस ने दुनिया में 50 करोड़ 61 21 की कमाई की और समीक्षकों के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एडम वर्ल्ड ऑफ इमोजिनेशन के तहत 2050 की फिल्म कोहिनूर में बतौर नर्मदा अपनी शुरुआत की। जिस सफर बाद में उन्होंने 2060 की फिल्म कवि ऊंचे शिकायत का निर्माण किया और भी विमानम और इब्लिस सहित कई फिल्मों का वितरण किया। आसिफ अली का जन्म 4 फरवरी 1969 को करी कोडे थोटू पूजा एडो की भारत में हुआ था। उन्होंने मैरियन कॉलेज कुटी तनाम से बिजनेस
एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान असित ने विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की और वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया। आसिफ ने 1994 में जमा मजरेन से शादी की। उनके दो बच्चे उन्हें श्यामा प्रसाद ने अपनी फिल्म ऋतु में मुख्य भूमिकाओं के से एक निभाने के लिए चुना और आलोचकों से और दर्शकों से सकारात्मक की समीक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सत्यनेठी करने अपनी फिल्म कधथुडारुनु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनकी तीसरी फिल्म सीवी मलिल की तरह निर्देशी अप्रू रागम थी। उसके बाद से उन्होंने बेस्ट ऑफ लॉ और ट्रॉफिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म राजेश कनकरा की तरह लिखित और निर्देशित एदो नामूरे कथा थी। 22 में अली ने आसिफ अबू की दूसरी फिल्म सॉल्ट एंड पेपर में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने मनु राघव की भूमिका निभाई, जो एक लापरवाह युवा चरित्र है जो अक्सर खुद को जरूरत से ज़्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश में अजीब परिस्थितियों में डाल देता है। उन्होंने डॉक्टर लव इंडियन रूप मलूसी और उस्ताद होटल में छोटी भूमिका निभाई। 2013 में वे जीन पॉल लाल की पहली निर्देशी फिल्म हनीबी में नजर आए, जहाँ उन्होंने सिविल सिटीजन की भूमिका निभाई, जिसके बाद नोरी जिस जाय की बाइसिकल ट्विस्ट में काम किया। अली ने आयरम और नुमाई गीत की चार पंक्तियाँ गाई, जो मूल रूप से फाजिल के नोके दहा था दुर्थु कर्णुम नटो में शामिल है। उनकी अगली रिलीज पौकीरा मोसायले कुथीरा मीनोकल और हाय आई एम टोनी थी। उन्होंने सब मस्ती तस्कराह में सबाब की भूमिका निभाई और वेली मुंगा में एक छोटी भूमिका निभाई। 22-5 में वे निर्णय कम की कोहिनूर और राजमा यहू में दिखाई दी। उनकी फिल्म अनुराग क्रिएकर वेलम 22-6 की सुपरहिट फिल्मों से एक बन गई। उन्होंने हनीबी 2 के लिए जीन पॉल लाल के साथ फिर से काम किया। 22-3 की बॉक्स ऑफिस पर सफल हनीबी का सीक्वल। इसके बाद वे महेश नारायण की टेक ऑफ में दिखाई दी। फिल्म को दुबई के विभिन्न हिस्सों में शूट किया गया और वैप्या की आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 22-8 में उनके प्रमुख रिलीज बी टेक इवलिस और मधारम थी। बी टेक वित्तीय रूप से सफल रही, केरल में 20 दिनों तक चली। उन्होंने उस वर्ष 2019 की शुरुआत विजय सुब्रमण्यम से की, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल है। उन्होंने फिल्म उयारे में एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाई, जिसमें पावरेती और टोनी थॉमस ने अनेक किरदार निभाए थे। उन्होंने कली कॉर्ड में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म वायरस में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने निसाम बशीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म केटी ओलानू एंटी मलाका में अभिनय किए, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्देशन लाल जोश ने इसे अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाई। 22-1 में उनकी प्रस्तुतियों में एलम सीरियाकुम और कुंजील डो के शामिल है। 20 जुलाई 22-4 को तत्कालीन आंगामी एंथोलॉजी फिल्म मनोर थंगल की टेलर लंच पर संगीतकार रमेश नारायण के साथ हुई एक घटना के बारे एक वीडियो सामने आया। कार्यक्रम में आसिफ अली को आयोजकों ने रमेश नारायण को एक स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाया था, जिसे रमेश नारायण ने ठुकरा दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया, जिससे रमेश नारायण की वाइफ पर एक आलोचना हुई और आसिफ अली के लिए समर्थन की लहरें उठी। घटना में दिखाया गया कि रमेश ने अभिनेता को अनदेखा करते हुए आसिफ के पुरस्कार लिया। आसिफ जो स्पष्ट रूप से इशारे से हैरान थे, अपनी सीट पर लौटने से पहले एक पल के लिए संगीतकार के पास खड़े रहे। फिर रमेश ने फिल्म निर्माता जयराज से स्मृति चिन्ह देने के लिए इशारा किया और रमेश का व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। 18 जुलाई 22-4 को रमेश नारायण ने इस घटना के बारे में सार्वजनिक माफी जारी की। इसे अनजाने में हुई परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 19 जुलाई को आसिफ अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद पर अपना रुख
स्पष्ट किया। आसिफ अली ने सुझाव दिया कि नारायण की प्रतिज्ञा व्यक्तिगत मामलों से उपजी थी और उन्होंने नारायण की प्रतिज्ञा से खुद को अपमानित महसूस करने से इनकार किया। अभिनेता के सार्वजनिक बयान में रमेश नारायण की प्रीति निर्देशित ऑनलाइन उत्पीड़न की भी आलोचना की गई। अमला पॉल के लिए ही दोनों की नकारात्मक की और समीक्षकों की विवाह 22/4 की 27 जगत के लिए दिस्ताई और मछलियों के लिए। अमला पॉल का जन्म 26 अक्टूबर 1991 को केरल की एर्नाकुलम में हुआ था। अमला एक सीरो मलाबार कैथोलिक सीरियन ईसाई परिवार से और उनका जन्म पॉल वर्गिस डी और एनिस पॉल के घर हुआ था। अमला के फिल्म उद्योग में प्रवेश के बाद उनके भाई अभिजीत पॉल में भी फिल्मों में दिखाई दी। नर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल जरवा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए एक विश्राम लिया, लेकिन तब से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल करने के लिए कोची में सेंट ट्रेजा कॉलेज में दाखिल ले लिए। अमला के पिता अमला के अभिनय करियर के आगे बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके भाई ने उनकी महत्वाकांक्षा का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें अपने फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी प्रदर्शन कला है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी माँ एक गायिका थी और उनके पिता कॉलेज में थिएटर में थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीला थमारा 29 में सहायक भूमिका की पेशकश की। सफल होने के बावजूद फिल्म ने कोई और प्रस्ताव अक्सर करने में रही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और लेवल क्रॉस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। लेवल क्रॉस 22/4 की भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसे नवोदित और फराज अयूब ने लिखा और निर्देशित किया। फिल्म में आसिफ अली, आमला पॉल और सराफुद्दीन हैं। लेवल क्रॉस 26 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अरफाज अयूब जिन्होंने पहले जेठू जोसेफ की सहायता की थी इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करें। फिल्म के बड़े हिस्से ट्यूनिशिया में शूट किए गए थे। फिल्म का 28 मार्च 2023 को शुरुआत ट्यूनिशिया में और शेड्यूल 18 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। फिल्म का मोशन पोस्टर 23 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया। संगीत विशाल चंद्रशेखर की तरह रचित था। अमला पॉल ने एंटी प्रीनीली रूपम गीत के साथ पौर्य गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। सभी गीत विनायक शशि कुमार की तरह लिखे गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि आखिर का जो चीज़ इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को दिलचस्प और रोमांस बनाती है वह यह है कि कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चना जर ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा यह एक ऐसी फिल्म है जो उन दर्शकों को पुरस्कृत करती है जो जटिल आख्यानों और प्रतीकात्मक कहानी कहने की सराहना करते। इसका कलात्मक दृष्टिकोण इसे एक असाधारण शुरुआत बनता है। हालांकि इसकी अपरागत शैली सभी दर्शकों को पसंद नहीं आ सकती है। टाइम्स नाउ की रोहित पनिकर ने इसे 5 में से 4 स्टार दी और लिखा केवल लेवल क्रॉस कहानी कहने का एक रोमांच और दिलचस्प प्रयोग है और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो निश्चित रूप से थिएटर में एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। OTT प्ले के संजीव सिद्धार्थ ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा अगर आप धीमी गति से जलने वाले मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की प्रशंसक है तो अरफाज अयूब की आत्मविश्वास से भारी शुरुआत एक घड़ी अच्छा घड़ी है। लेवल क्रॉस ने दुनिया में 50 करोड़ 61 21 की कमाई की और समीक्षकों के लिए आसिफ अली की तरह समीक्षकों के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एडम वर्ल्ड
ऑफ इमेजिनेशन के तहत 2050 की फिल्म कोहिनूर में बतौर निर्माता अपनी शुरुआत की, जिस सफर बाद में उन्होंने 2060 की फिल्म कवि ऊंचे शिकायत का निर्माण किया और भी विमानम और इब्लिस सहित कई फिल्मों का वितरण किया। आसिफ अली का जन्म 4 फरवरी 1969 को करिकोडे थोटुपुझा एडुक्की भारत में हुआ था। उन्होंने मैरियन कॉलेज कुटीतनम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान आसिफ ने विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की और वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया। आसिफ ने 1994 में जमा मजरीन से शादी की। उनके दो बच्चे उन्हें श्यामा प्रसाद ने अपनी फिल्म रीतु में मुख्य भूमिकाओं के से एक निभाने के लिए चुना और आलोचकों से और दर्शकों से सकारात्मक की समीक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सत्यनेठी करने अपनी फिल्म कदथुडारूनू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनकी तीसरी फिल्म सीवी मलिल की ग्रह निर्देशी अप्रू रागम थी। उसके बाद से उन्होंने बेस्ट ऑफ लॉ और ट्रॉफिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म राजेश कनकरा की द्वारा लिखित और निर्देशित एदो नामुरे कथा थी। 22 में अली ने आसिफ अबू की दूसरी फिल्म सॉल्ट एंड पेपर में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने मनु राघव की भूमिका निभाई, जो एक लापरवाह युवा चरित्र थे जो अक्सर खुद को जरूरत से ज़्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश में अजीब परिस्थितियों में डाल देता है। उन्होंने डॉक्टर लव इंडियन रूप मलूसी और उस्ताद होटल में छोटी भूमिका निभाई। 2030 में वे जीन पॉल लाल की पहली निर्देशित फिल्म हनीबी में नजर आए, जहाँ उन्होंने सिवी सिटियन की भूमिका निभाई, जिसके बाद नोरी जिस जाय की बाइसिकल ट्विस्ट में काम किया। अली ने आयरम अरनुमाई गीत की 4 पंक्तियाँ गाई, जो मूल रूप से फाजिल के नोके दहा थू करुम नटो में शामिल है। उनकी अगली रिलीज पकीरा मोसाइले कुथिरा मीनोकल और हाय आई एम टोनी थी। उन्होंने सब मस्ती तस्करा में सबाब की भूमिका निभाई और वेली मुंगा में एक छोटी भूमिका निभाई। 22-5 में वे निर्णय कम की कोहिनूर और राजमा यहू में दिखाई दी। उनकी फिल्म अनुराग क्रिएकर वेलम 22-6 की सुपरहिट फिल्मों से एक बन गई। उन्होंने हनीबी 2 के लिए जीन पॉल लाल के साथ फिर से काम किया। 22-3 की बॉक्स ऑफिस पर सफल हनीबी का सीक्वल। इसके बाद वे महेश नारायण की टेक ऑफ में दिखाई दी। फिल्म को दुबई के विभिन्न हिस्सों में शूट किया गया और वैप्या की आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 22-8 में उनके प्रमुख रिलीज बी टेक इब्लिस और मधारम थी। बी टेक वित्तीय रूप से सफल रही, केरल में 20 दिनों तक चली। उन्होंने उस वर्ष 2090 की शुरुआत विजय सुब्रमण्यम से की, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल है। उन्होंने फिल्म उयारे में एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाई, जिसमें पावरेटी और टोनी थॉमस ने अनेक किरदार निभाए थे। उन्होंने कॉलीकॉर्ड में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म वायरस में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने साम बसीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म केटी ओलानू एंटी मलाका में अभिनय किए, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्देशक लाल जोश ने इसे अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाई। 22-1 में उनकी प्रस्तुतियों में एलम सीरियाकुम और कुंजील डो के शामिल है। 20 जुलाई 2024 को तत्कालीन आंगामी एंथोलॉजी फिल्म मनोर थंगल की ट्रेलर लंच पर संगीतकार रमेश नारायण के साथ हुई एक घटना के बारे एक वीडियो सामने आया। कार्यक्रम में आसिफ अली को आयोजकों ने रमेश नारायण को एक स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाया था, जिसे रमेश नारायण ने ठुकरा दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया, जिससे रमेश नारायण की वैप्यक आलोचना और आसिफ अली के लिए समर्थन की लहरें उठी। घटना में दिखाया गया कि रमेश ने अभिनेता को अनदेखा करते हुए आसिफ के पुरस्कार लिया।
आसिफ जो स्पष्ट रूप से इशारे से हैरान थे, अपनी सीट पर लौटने से पहले एक पल के लिए संगीतकार के पास खड़े रहे। फिर रमेश ने फिल्म निर्माता जयराज को जयराज से स्मृति चिन्ह देने के लिए इशारा किया और रमेश का व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। 18 जुलाई 2024 को रमेश नारायण ने इस घटना के बारे में सार्वजनिक माफी जारी की। इसे अनजाने में हुई परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 19 जुलाई को आसिफ अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। आसिफ अली ने सुझाव दिया कि नारायण की प्रतिक्रिया व्यक्तिगत मामलों से उपजी थी और उन्होंने नारायण की प्रतिक्रिया से खुद को अपमानित महसूस करने से इनकार किया। अभिनेता के सार्वजनिक बयान में रमेश नारायण की प्रति निर्देशित ऑनलाइन उत्पीड़न की भी आलोचना की गई। अमला पॉल के लिए ही दोनों की नकारात्मक की और समीक्षकों की विवाह 2024 की 27 जगत के लिए दिस्ताई और मछलियों के लिए। अमला पॉल का जन्म 26 अक्टूबर 1991 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। अमला एक सीरो मलाबार कैथोलिक सीरियन ईसाई परिवार से और उनका जन्म पॉल वर्गिस डी और एनिस पॉल के घर हुआ था। अमला के फिल्म उद्योग में प्रवेश के बाद उनके भाई अभिजीत पॉल में भी फिल्मों में दिखाई दी। नर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल जरवा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए एक विश्राम लिया, लेकिन तब से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल करने के लिए कोची में सेंट ट्रेजा कॉलेज में दाखिल ले रही। आमला के पिता आमला के अभिनय करियर के आगे बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके भाई ने उनकी महत्वाकांक्षा का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें अपने फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी प्रदर्शन कला है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी माँ एक गायिका थी और उनके पिता कॉलेज में थिएटर में थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीला थमारा 29 में सहायक भूमिका की पेशकश की। सफल होने के बावजूद फिल्म ने कोई और प्रस्ताव अक्सर करने में रही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और लेवल क्रॉस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। लेवल क्रॉस 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसे नवोदित और फराज अयूब ने लिखा और निर्देशित किया। फिल्म में आसिफ अली आमला पॉल और सराफुद्दीन हैं। लेवल क्रॉस 26 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अरफाज अयूब जिन्होंने पहले जेठू जोसेफ की सहायता की थी इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करें। फिल्म के बड़े हिस्से ट्यूनिशिया में शूट किए गए थे। फिल्म का 28 मार्च 2023 को शुरू हुआ ट्यूनिशिया में और शेड्यूल 18 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। फिल्म का मोशन पोस्टर 23 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया। संगीत विशाल चंद्रशेखर की तरह रचित था। अमला पॉल ने एंट्री प्रीनीली रूपम गीत के साथ पौरिया गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। सभी गीत विनायक शशि कुमार की तरह लिखे गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि आखिर का जो चीज़ इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को दिलचस्प और रोमांस बनाती है वह यह है कि कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चना जर ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा यह एक ऐसी फिल्म है जो उन दर्शकों को पुरस्कृत करती है जो जटिल आख्यानों और प्रतीकात्मक कहानी कहने की सराहना करते। इसका कलात्मक दृष्टिकोण इसे एक असाधारण शुरुआत बनता है। हालांकि इसकी अपरागत शैली सभी दर्शकों को पसंद नहीं आ सकती है। टाइम्स नाउ की रोहित पनिकर ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा केवल
लेवल क्रॉस कहानी कहने का एक रोमांच और दिलचस्प प्रयोग है और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो निश्चित रूप से थिएटर में एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। OTT प्लेगेस संजीव सिद्धार्थ ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा, अगर आप धीमी गति से जलने वाले मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की प्रशंसक है तो अरफाज अयूब की आत्मविश्वास से भारी शुरुआत एक घड़ी अच्छा घड़ी है। लेवल क्रॉस ने दुनिया में 50 करोड़ 61 21 की कमाई की और समीक्षकों के लिए आसिफ अली की तरह समीक्षकों के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एडम वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन के तहत 2050 की फिल्म कोहिनूर में बतौर निर्माता अपनी शुरुआत की। जिस सफर बाद में उन्होंने 2060 की फिल्म कवि ऊँचे शिकायत का निर्माण किया और भी विमानम और इब्लिस सहित कई फिल्मों का वितरण किया। आसिफ अली का जन्म 4 फरवरी 1969 को करी कोडे थोटू पूजा एडो की भारत में हुआ था। उन्होंने मैरियन कॉलेज कुटीतनम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान आसिफ ने विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की और वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया। आसिफ ने 1994 में जमा मजरीन से शादी की। उनके 2 बच्चे उन्हें श्यामा प्रसाद ने अपनी फिल्म रीतु में मुख्य भूमिकाओं के से एक निभाने के लिए चुना और आलोचकों से और दर्शकों से सकारात्मक की समीक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सत्यनेठी करने अपनी फिल्म कदथुडारूनू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनकी 3री फिल्म सीवी मलिल की तरह निरेशी अप्रू रागम थी। उसके बाद से उन्होंने बेस्ट ऑफ लव और ट्रॉफिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म राजेश कनकरा की तरह लिखित और निर्देशित एदो नामूरे कथा थी। 22 में अली ने आसिफ अबू की 2री फिल्म सॉल्ट एंड पेपर में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने मनु राघव की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवा चरित्र थे जो अक्सर खुद को जरूरत से ज़्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश में अजीब परिस्थितियों में डाल देता है। उन्होंने डॉक्टर लव इंडियन रूप मलूसी और उस्ताद होटल में छोटी भूमिका निभाई। 2013 में वे जीन पॉल लाल की पहली निर्देशित फिल्म हनीबी में नजर आए, जहाँ उन्होंने सिविल सिटियन की भूमिका निभाई, जिसके बाद नोरी जिस जाए की बाइसिकल ट्विस्ट में काम किया। अली ने आयरम और नुमाई गीत की 4 पंक्तियाँ गाई जो मूल रूप से फाजिल के नोके दहा धुरथू करुम नटू में शामिल है। उनकी अगली रिलीज पकीरा मोसाइले कुथिरा मीनोकल और हाय आई एम टोनी थी। उन्होंने सब मस्ती तस्कराहा में सबाब की भूमिका निभाई और वेली मुंगा में एक छोटी भूमिका निभाई। 22:05 में वे निर्णय कम की कोइनूर और राजमा यहू में दिखाई दी। उनकी फिल्म अनुराग क्रिएकर वेलम 22:06 की सुपरहिट फिल्मों से एक बन गई। उन्होंने हनीबी 2 के लिए जीन पॉल लाल के साथ फिर से काम किया। 22:03 की बॉक्स ऑफिस पर सफल हनीबी का सिक्वल। इसके बाद वे महेश नारायण की टेक ऑफ में दिखाई दी। फिल्म को दुबई के विभिन्न हिस्सों में शूट किया गया और वैप्या की आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 22:08 में उनके प्रमुख रिलीज बीटेक इब्लिस और मधारम थी। बीटेक वित्तीय रूप से सफल रही। केरल में 20 दिनों तक चली। उन्होंने उस वर्ष 2090 की शुरुआत विजय सुब्रमण्यम से की जो बॉक्स ऑफिस पर सफल है। उन्होंने फिल्म उयारे में एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाई जिसमें पावरेटी और टोनी थॉमस ने अनेक किरदार निभाए थे। उन्होंने कॉलीकॉर्ड में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म वायरस में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने साम बशीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म केटी ओलानू एंटी ब्लाका में अभिनय किए जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्देशक लाल जोश ने इसे अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाई। 22:01 में उनकी प्रस्तुतियों में एलम सीरियाकुम और कुंजील डो के शामिल है। 20 जुलाई
22/4 को तत्कालीन हंगामी एंथोलॉजी मनोर थंगल की टेलर लंच पर संगीतकार रमेश नारायण के साथ हुई एक घटना के बारे एक वीडियो सामने आया। कार्यक्रम में आसिफ अली को आयोजकों ने रमेश नारायण को एक स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाया था, जिसे रमेश नारायण ने ठुकरा दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया, जिससे रमेश नारायण की वाइफ पर आलोचना हुई और आसिफ अली के लिए समर्थन की लहरें उठी। घटना में दिखाया गया कि रमेश ने अभिनेता को अनदेखा करते हुए आसिफ के पुरस्कार लिया। आसिफ जो स्पष्ट रूप से इशारे से हैरान थे, अपनी सीट पर लौटने से पहले एक पल के लिए संगीतकार के पास खड़े रहे। फिर रमेश ने फिल्म निर्माता जयराज को जयराज से स्मृति चिन्ह देने के लिए इशारा किया और रमेश का व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। 18 जुलाई 2024 को रमेश नारायण ने इस घटना के बारे में सार्वजनिक माफी जारी की। इसे अनजाने में हुई परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 19 जुलाई को आसिफ अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। आसिफ अली ने सुझाव दिया कि नारायण की प्रतिक्रिया व्यक्तिगत मामलों से उपजी थी और उन्होंने नारायण की प्रतिक्रिया से खुद को अपमानित महसूस करने से इनकार किया। अभिनेता के सार्वजनिक बयान में रमेश नारायण की प्रति निर्देशित ऑनलाइन उत्पीड़न की भी आलोचना की गई। अमला पॉल के लिए ही दोनों है कि नकारात्मक की और समीक्षकों की विवाह 22/4 की 27 जगत के लिए दिस्ताई और मछलियों के लिए। अमला पॉल का जन्म 26 अक्टूबर 1991 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। अमला एक सीरो मलाबार कैथोलिक सीरियन ईसाई परिवार से और उनका जन्म पॉल वर्गिस डी और एनिस पॉल के घर हुआ था। अमला के फिल्म उद्योग में प्रवेश के बाद उनके भाई अभिजीत पॉल में भी फिल्मों में दिखाई दी। नर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल जलवा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए एक विश्राम लिया, लेकिन तब से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल करने के लिए कोचिंग में सेंट ट्रेजा कॉलेज में दाखिल ले लिए। आमला के पिता आमला के अभिनय करियर के आगे बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके भाई ने उनकी महत्वाकांक्षा का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें अपनी फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी प्रदर्शन कला है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी माँ एक गायिका थी और उनके पिता कॉलेज में थिएटर में थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीलथमारा 29 में सहायक भूमिका की पेशकश की। सफल होने के बावजूद फिल्म ने कोई और प्रस्ताव अक्सर करने में नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और लेवल क्रॉस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। लेवल क्रॉस 22/4 की भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे नवोदित और फराज अयूब ने लिखा और निर्देशित किया। फिल्म में आसिफ अली, आमला पॉल और सराफुद्दीन हैं। लेवल क्रॉस 26 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अरफाज अयूब, जिन्होंने पहले जेठू जोसेफ की सहायता की थी, इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करें। फिल्म के बड़े हिस्से ट्यूनिसिया में शूट किए गए थे। फिल्म का 28 मार्च 2023 को शुरुआत ट्यूनिसिया में और शेड्यूल 18 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। फिल्म का मोशन पोस्टर 23 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया। संगीत विशाल चंद्रशेखर की तरह रचित था। आमला पॉल ने एंट्री प्रीनीली रूपम गीत के साथ पौर्य गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। सभी गीत विनायक शशि कुमार की तरह लिखे गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि आखिर का जो चीज़ इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को दिलचस्प और रोमांच बनाती है वह यह है कि कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चना जर्ज ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यह एक ऐसी फिल्म है जो उन दर्शकों को पुरस्कृत करती है जो
जटिल आख्यानों और प्रतीकात्मक कहानी कहने की सराहना करते। इसका कलात्मक दृष्टिकोण इसे एक असाधारण शुरुआत बनता है। हालांकि इसकी अपरागत शैली सभी दर्शकों को पसंद नहीं आ सकती है, टाइम्स नाउ की रोहित पनिकर ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा, केवल लेवल क्रॉस कहानी कहने का एक रोमांच और दिलचस्प प्रयोग है और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो निश्चित रूप से थिएटर में एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। OTT प्ले के संजीव सिद्धार्था ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा, अगर आप धीमी गति से जलने वाले मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की प्रशंसक है तो अरफाज अयूब की आत्मविश्वास से भारी शुरुआत एक घड़ी अच्छा घड़ी है। लेवल क्रॉस ने दुनिया में 50 करोड़ 60 121 की कमाई की और समीक्षकों के लिए आसिफ अली की तरह समीक्षकों के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एडम वर्ल्ड ऑफ इमोजिनेशन के तहत 2050 की फिल्म कोहिनूर में बतौर नर्मदा अपनी शुरुआत की। जिस सफर बाद में उन्होंने 2060 की फिल्म कवि ऊंचे शिकायत का निर्माण किया और भी विमानम और इब्लिस सहित कई फिल्मों का वितरण किया। आसिफ अली का जन्म 4 फरवरी 1969 को करी कोडे थोटू पूजा एडू की भारत में हुआ था। उन्होंने मैरियन कॉलेज कुटीतनम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान आसिफ ने विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की और वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया। आसिफ ने 1994 में जमा मजरीन से शादी की। उनके 2 बच्चे उन्हें श्यामा प्रसाद ने अपनी फिल्म रीतु में मुख्य भूमिकाओं के से एक निभाने के लिए चुना और आलोचकों से और दर्शकों से सकारात्मक की समीक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सत्यनेठी करने अपनी फिल्म कधा थोड़ा रूनू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनकी 3री फिल्म सीबी मलिल की तरह निरेशी अप्रू रागम थी। उसके बाद से उन्होंने बेस्ट ऑफ लॉ और ट्रॉफिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म राजेश कनकरा की तरह लिखित और निर्देशित एदो नामूरे कथा थी। 22 में अली ने आसिफ अबू की 2री फिल्म सॉल्ट एंड पेपर में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने मनु राघव की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवा चरित्र थे जो अक्सर खुद को जरूरत से ज़्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश में अजीब परिस्थितियों में डाल देता है। उन्होंने डॉक्टर लॉ इंडियन रूप मलूसी और उस्ताद होटल में छोटी भूमिका निभाई। 2030 में वे जीन पॉल लाल की पहली निर्देशित फिल्म हनीबी में नजर आए, जहाँ उन्होंने सिविल सिटीजन की भूमिका निभाई, जिसके बाद नोरी जिस जाय की बाइसिकल ट्विस्ट में काम किया। अली ने आयरम अरनुमाई गीत की 4 पंक्तियाँ गाई जो मूल रूप से फाजिल के नोके दहा थू करुम नटो में शामिल है। उनकी अगली रिलीज पकीरा मोसाइल कुथिरा मीनोकल और हाय आई एम टोनी थी। उन्होंने सब मस्ती तस्कराहा में सबाब की भूमिका निभाई और वेली मुंगा में एक छोटी भूमिका निभाई। 22-5 में वे निर्णय कम की कोहिनूर और राजमा यहू में दिखाई दी। उनकी फिल्म अनुराग क्रिएकर वेलम 22-6 की सुपरहिट फिल्मों से एक बन गई। उन्होंने हनीबी 2 के लिए जीन पॉल लाल के साथ फिर से काम किया। 22-3 की बॉक्स ऑफिस पर सफल हनीबी का सिक्वल। इसके बाद वे महेश नारायण की टेक ऑफ में दिखाई दी। फिल्म को दुबई के विभिन्न हिस्सों में शूट किया गया और वैप्या की आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 22-8 में उनके प्रमुख रिलीज बी टेक इब्लिस और मधारम थी। बी टेक वित्तीय रूप से सफल रही, केरल में 20 दिनों तक चली। उन्होंने उस वर्ष 2019 की शुरुआत विजय सुब्रमण्यम से की जो बॉक्स ऑफिस पर सफल है। उन्होंने फिल्म उयारे में एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाई जिसमें पावरेटी और टोनी थॉमस ने अनेक किरदार निभाए थे। उन्होंने कॉलीकॉर्ड में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म वायरस में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने निसाम बसीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म
केटी ओलानो एंटी ब्लाका में अभिनय किए, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रहे और आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्देशक लाल जोश ने इसे अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाई। 2021 में उनकी प्रस्तुतियों में एलम सीरिया कुम और कुंजील डो की शामिल है। 20 जुलाई 2024 को तत्कालीन आगामी एंथोलॉजी फिल्म मनोर थंगल की ट्रेलर लंच पर संगीतकार रमेश नारायण के साथ हुई एक घटना के बारे एक वीडियो सामने आया। कार्यक्रम में आसिफ अली को आयोजकों ने रमेश नारायण को एक स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाया था, जिसे रमेश नारायण ने ठुकरा दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया, जिससे रमेश नारायण की वाइफ पर आलोचना हुई और आसिफ अली के लिए समर्थन की लहरें उठी। घटना में दिखाया गया कि रमेश ने अभिनेता को अनदेखा करते हुए आसिफ के पुरस्कार लिया। आसिफ जो स्पष्ट रूप से इशारे से हैरान थे, अपनी सीट पर लौटने से पहले एक पल के लिए संगीतकार के पास खड़े रहे। फिर रमेश ने फिल्म निर्माता जयराज को जयराज से स्मृति चिन्ह देने के लिए इशारा किया और रमेश का व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। 18 जुलाई 2024 को रमेश नारायण ने इस घटना के बारे में सार्वजनिक माफी जारी की। इसे अनजाने में हुई परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 19 जुलाई को आसिफ अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। आसिफ अली ने सुझाव दिया कि नारायण की प्रतिक्रिया व्यक्तिगत मामलों से उपजी थी और उन्होंने नारायण की प्रतिक्रिया से खुद को अपमानित महसूस करने से इनकार किया। अभिनेता के सार्वजनिक बयान में रमेश नारायण के प्रति निर्देशित ऑनलाइन उत्पीड़न की भी आलोचना की गई। अमला पॉल के लिए ही दोनों की नकारात्मक की और समीक्षकों की विवाह 2024 की 27 जगत के लिए दिस्ताई और मछलियों के लिए। अमला पॉल का जन्म 26 अक्टूबर 1991 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। अमला एक सीरो मलाबार कैथोलिक सीरियन ईसाई परिवार से और उनका जन्म पॉल वर्गिस डी और एनिस पॉल के घर हुआ था। अमला के फिल्म उद्योग में प्रवेश के बाद उनके भाई अभिजीत पॉल में भी फिल्मों में दिखाई दी। नर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल जरवा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए एक विश्राम लिया, लेकिन तब से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल करने के लिए कोचिंग में सेंट ट्रेजा कॉलेज में दाखिल ले रही। अमला के पिता अमला के अभिनय करियर के आगे बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके भाई ने उनकी महत्वाकांक्षा का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें अपने फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी प्रदर्शन कला है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी माँ एक गायिका थी और उनके पिता कॉलेज में थिएटर में थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीलथमारा 29 में सहायक भूमिका की पेशकश की। सफल होने के बावजूद फिल्म ने कोई और प्रस्ताव अक्सर करने में रही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और लेवल क्रॉस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। लेवल क्रॉस 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे नवोदित और फराज अयूब ने लिखा और निर्देशित किया। फिल्म में आसिफ अली, आमला पाल और सराफुद्दीन है। लेवल क्रॉस 26 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अरफाज अयूब, जिन्होंने पहले जेठू जोसेफ की सहायता की थी, इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करें। फिल्म के बड़े हिस्से ट्यूनिशिया में शूट किए गए थे। फिल्म का 28 मार्च 2023 को शुरुआत ट्यूनिशिया में और शेड्यूल 18 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। फिल्म का मोशन पोस्टर 3 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया। संगीत विशाल चंद्रशेखर की तरह रचित था। अमला पॉल ने एंटी प्रीनीली रूपम गीत के साथ पौर्य गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। सभी गीत विनायक शशि कुमार की तरह लिखे गए हैं।
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि आखिर का जो चीज़ इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को दिलचस्प और रोमांस बनाती है वह यह है कि कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चना जर ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यह एक ऐसी फिल्म है जो उन दर्शकों को पुरस्कृत करती है जो जटिल आख्यानों और प्रतीकात्मक कहानी कहने की सराहना करते। इसका कलात्मक दृष्टिकोण इसे एक असाधारण शुरुआत बनता है। हालांकि इसकी अपरागत शैली सभी दर्शकों को पसंद नहीं आ सकती है। टाइम्स नाउ की रोहित पनेकर ने इसे 5 में से 4 स्टार दी और लिखा, केवल लेवल क्रॉस कहानी कहने का एक रोमांच और दिलचस्प प्रयोग है और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो निश्चित रूप से थिएटर में एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। OTT प्ले के संजीव सिद्धार्था ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा, अगर आप धीमी गति से जलने वाले मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की प्रशंसक है तो अरफाज अयूब की आत्मविश्वास से भारी शुरुआत एक घड़ी अच्छा घड़ी है। लेवल क्रॉस ने दुनिया में 50 करोड़ 61 की कमाई की और समीक्षकों के लिए आसिफ अली की तरह समीक्षकों के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एडम वर्ल्ड ऑफ इमोजिनेशन के तहत 2050 की फिल्म कोहिनूर में बतौर नर्मदा अपनी शुरुआत की। जिस सफर बाद में उन्होंने 2060 की फिल्म कवि ऊंचे शिकायत का निर्माण किया और भी विमानम और इबलिस सहित कई फिल्मों का वितरण किया। आसिफ अली का जन्म 4 फरवरी 1969 को करी कोडे थोटू पूजा एडू की भारत में हुआ था। उन्होंने मैरियन कॉलेज कुटीतनाम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान आसिफ ने विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की और वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया। आसिफ ने 1994 में जमा मजरीन से शादी की। उनके 2 बच्चे उन्हें श्यामा प्रसाद ने अपनी फिल्म रीतु में मुख्य भूमिकाओं के से एक निभाने के लिए चुना और आलोचकों से और दर्शकों से सकारात्मक की समीक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सत्यनेठी करने अपनी फिल्म कदथुडारुनु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनकी 3री फिल्म सीवी मलिल की तरह निरेशी अप्रू रागम थी। उसके बाद से उन्होंने बेस्ट ऑफ लॉ और ट्रॉफिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म राजेश कनकरा की तरह लिखित और निर्देशित एदो नामुरी कथा थी। 22 में अली ने आसिफ अबू की 2री फिल्म सॉल्ट एंड पेपर में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने मनु राघव की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवा चरित्र है जो अक्सर खुद को ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश में अजीब परिस्थितियों में डाल देता है। उन्होंने डॉक्टर लव इंडियन रूप मलूसी और उस्ताद होटल में छोटी भूमिका निभाई। 2013 में वे जीन पॉल लाल की पहली निर्देशित फिल्म हनीबी में नजर आए, जहाँ उन्होंने सिविल सिटीजन की भूमिका निभाई, जिसके बाद नोरी जिस चाय की बाइसिकल ट्विस्ट में काम किया। अली ने आयरम अरनुमाई गीत की 4 पंक्तियाँ गाई जो मूल रूप से फाजिल के नोके दहा था दुर्थु कर्णुम नटो में शामिल है। उनकी अगली रिलीज पौकीरा मोसाइले कुथीरा मीनोकल और हाय आई एम टोनी थी। उन्होंने सब मस्ती तस्कराह में सबाब की भूमिका निभाई और वेली मुंगा में एक छोटी भूमिका निभाई। 22-5 में वे निर्णय कम की कोहिनूर और राजमा यहू में दिखाई दी। उनकी फिल्म अनुराग क्रिएकर वेलम 22-6 की सुपरहिट फिल्मों से एक बन गई। उन्होंने हनीबी 2 के लिए जीन पॉल लाल के साथ फिर से काम किया। 22-3 की बॉक्स ऑफिस पर सफर हनीबी का सिक्वल। इसके बाद वे महेश नारायण की टेक ऑफ में दिखाई दी। फिल्म को दुबई के विभिन्न हिस्सों में शूट किया गया और वैप्या की आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 22-8 में उनके प्रमुख रिलीज बी टेक इबलिस और मधारम थी। बी टेक वित्तीय रूप से सफर किरण में 20 दिनों तक चली। उन्होंने उस वर्ष 2090 की शुरुआत विजय सुप्रमपुरमियन से की जो बॉक्स ऑफिस पर सफर है। उन्होंने फिल्म
उयारे में एक महान फिल्म की भूमिका निभाई जिसमें पावरेटी और टोनी थॉमस ने अनेक किरदार निभाए थे। उन्होंने कॉलीकॉर्ड में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म वायरस में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने साम बशीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म केटी ओलानु एंटी मलाका में अभिनय किए जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्देशक लाल जोश ने इसे अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाई। 2021 में उनकी प्रस्तुतियों में एलम सीरियाकुम और कुंजील डो के शामिल है। 20 जुलाई 2024 को तत्कालीन आगामी एंथोलॉजी फिल्म मन और दंगल की ट्रेलर लंच पर संगीतकार रमेश नारायण के साथ हुई एक घटना के बारे एक वीडियो सामने आया। कार्यक्रम में आसिफ अली को आयोजकों ने रमेश नारायण को एक स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाया था जिसे रमेश नारायण ने ठुकरा दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया जिससे रमेश नारायण की वाइफ की एक आलोचना और आसिफ अली के रिश्ते समर्थन की लहरें उठी। घटना में दिखाया गया कि रमेश ने अभिनेता को अनदेखा करते हुए आसिफ के पुरस्कार लिया। आसिफ जो स्पष्ट रूप से इशारे से हैरान थे अपनी सीट पर लौटने से पहले एक पल के लिए संगीतकार के पास खड़े रहे। फिर रमेश ने फिल्म निर्माता जयराज को जयराज से स्मृति चिन्ह देने के लिए इशारा किया और रमेश का व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। 18 जुलाई 2024 को रमेश नारायण ने इस घटना के बारे में सार्वजनिक माफी जारी की। इसे अनजाने में हुई परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 19 जुलाई को आसिफ अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। आसिफ अली ने सुझाव दिया कि नारायण की प्रतिक्रिया व्यक्तिगत मामलों से उपजी थी और उन्होंने नारायण की प्रतिक्रिया से खुद को अपमानित महसूस करने से इनकार किया। अभिनेता के सार्वजनिक बयान में रमेश नारायण की प्रति निर्देशित ऑनलाइन उत्पीड़न की भी आलोचना की गई। अमला पॉल के लिए ही दोनों की नकारात्मक की और समीक्षकों की विवाह 2024 की 27 जगत के लिए दिस्ताई और मछलियों के लिए। अमला पॉल का जन्म 26 अक्टूबर 1991 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। अमला एक सीरो मलाबार कैथोलिक सीरियन ईसाई परिवार से और उनका जन्म पॉल वर्गिस डी और एनिस पॉल के घर हुआ था। अमला के फिल्म उद्योग में प्रवेश के बाद उनके भाई अभिजीत पॉल में भी फिल्मों में दिखाई दी। नर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल जरवा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए एक विश्राम लिया, लेकिन तब से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल करने के लिए कोची में सेंट ट्रेजा कॉलेज में दाखिल ले रही। आमला के पिता आमला के अभिनय करियर के आगे बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके भाई ने उनकी महत्वाकांक्षा का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें अपने फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी प्रदर्शन कला है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी माँ एक गायिका थी और उनके पिता कॉलेज में थिएटर में थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीलथमारा 29 में सहायक भूमिका की पेशकश की। सफल होने के बावजूद फिल्म ने कोई और प्रस्ताव अक्सर करने में रही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और लेवल क्रॉस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। लेवल क्रॉस 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसे नवोदित और फराज अयूब ने लिखा और निर्देशित किया। फिल्म में आसिफ अली आमला पॉल और सराफुद्दीन हैं। लेवल क्रॉस 26 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अरफाज अयूब जिन्होंने पहले जेठू जोसेफ की सहायता की थी इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करें। फिल्म के बड़े हिस्से
ट्यूनिशिया में शूट किए गए थे। फिल्म का 28 मार्च 2023 को शुरू हुआ ट्यूनिशिया में और शेड्यूल 18 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। फिल्म का मोशन पोस्टर 3 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया। संगीत विशाल चंद्रशेखर की तरह रचित था। अमलापाल ने एंट्री प्रीनीली रूपम गीत के साथ पौर्य गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। सभी गीत विनायक शशि कुमार की तरह लिखे गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि आखिर का जो चीज़ इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को दिलचस्प और रोमांस बनाती है वह यह है कि कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चना जर ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा यह एक ऐसी फिल्म है जो उन दर्शकों को पुरस्कृत करती है जो जटिल आख्यानों और प्रतीकात्मक कहानी कहने की सराहना करते। इसका कलात्मक दृष्टिकोण इसे एक असाधारण शुरुआत बनता है। हालांकि इसकी अपरागत शैली सभी दर्शकों को पसंद नहीं आ सकती है। टाइम्स नाउ की रोहित पनिकर ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा केवल लेवल क्रॉस कहानी कहने का एक रोमांच और दिलचस्प प्रयोग है और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो निश्चित रूप से थिएटर में एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। OTT प्ले के संजीव सिद्धार्थ ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा अगर आप धीमी गति से जलने वाले मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की प्रशंसक है तो अरफाज अयूब की आत्मविश्वास से भारी शुरुआत एक घड़ी अच्छा घड़ी है। लेवल क्रॉस ने दुनिया में 50 करोड़ 61 21 की कमाई की और समीक्षकों के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एडम वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन के तहत 2050 की फिल्म कोहिनूर में बतौर नर्मदा अपनी शुरुआत की। जिस सफर बाद में उन्होंने 2060 की फिल्म कवि ऊंचे शिकायत का निर्माण किया और भी विमानम और इब्लिस सहित कई फिल्मों का वितरण किया। आसिफ अली का जन्म 4 फरवरी 1969 को करी कोडे थोटू पूजा एडू की भारत में हुआ था। उन्होंने मैरियन कॉलेज कुटीतनम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान आसिफ ने विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की और वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया। आसिफ ने 1994 में जमा मजरीन से शादी की। उनके 2 बच्चे उन्हें श्यामा प्रसाद ने अपनी फिल्म ऋतु में मुख्य भूमिकाओं के से एक निभाने के लिए चुना और आलोचकों से और दर्शकों से सकारात्मक की समीक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सत्यनेठी करने अपनी फिल्म कधा थुडारूनू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनकी 3री फिल्म सीवी मलिल की तरह निरेशी अप्रू रागम थी। उसके बाद से उन्होंने बेस्ट ऑफ लव और ट्रॉफिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म राजेश कनकरा की तरह लिखित और निर्देशित एदो नामुरी कथा थी। 22 में अली ने आसिफ अबू की 2री फिल्म सॉल्ट एंड पेपर में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए जिसमें उन्होंने मनु राघव की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवा चरित्र है जो अक्सर खुद को जरूरत से ज़्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश में अजीब परिस्थितियों में डाल देता है। उन्होंने डॉक्टर लव इंडियन रूप मलूसी और उस्ताद होटल में छोटी भूमिका निभाई। 2030 में वे जीन पॉल लाल की पहली निर्देशित फिल्म हनीबी में नजर आए जहाँ उन्होंने सिविल सिटीजन की भूमिका निभाई जिसके बाद नोरी जिस जाय की बाइसिकल ट्विस्ट में काम किया। अली ने आयरम अरनुमाई गीत की 4 पंक्तियाँ गाई जो मूल रूप से फाजिल के नोके दहा था दूर थू करुम नटों में शामिल है। उनकी अगली रिलीज पकीरा मोसाइले कुथिरा मीनोकल और हाय आई एम टोनी थी। उन्होंने सब मस्ती तस्करा में सबाब की भूमिका निभाई और वेली मुंगा में एक छोटी भूमिका निभाई। 22:05 में वे निर्णय कम की कोहिनूर और राजमा यहू में दिखाई दी। उनकी फिल्म अनुराग क्रिएकर वेलम 22:06 की सुपरहिट फिल्मों से एक बन गई। उन्होंने हनीबी 2 के लिए जीन पॉल लाल के साथ फिर से काम किया। 22:03 की बॉक्स ऑफिस पर सफल हनीबी का सिक्वल। इसके बाद वे महेश नारायण की टेक ऑफ में दिखाई दी। फिल्म को दुबई के विभिन्न
हिस्सों में शूट किया गया और वाइपिया की आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 22:08 में उनके प्रमुख रिलीज बी टेक इवलिस और मधारम थी। बी टेक वित्तीय रूप से सफल रही, केरल में 20 दिनों तक चली। उन्होंने उस वर्ष 2019 की शुरुआत विजय सुब्रमण्यम से की, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल है। उन्होंने फिल्म उयारे में एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाई, जिसमें पावरेती और टोनी थॉमस ने अनेक किरदार निभाए थे। उन्होंने कॉली कॉर्ड में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म वायरस में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने साम बशीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म केटी ओलानू एंटी मलाका में अभिनय किए, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा प्रपात की। निर्देशक लाल जोश ने इसे अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाई। 22:01 में उनकी प्रस्तुतियों में एलम सीरियाकुम और कुंजील डो की शामिल है। 20 जुलाई 22:04 को तत्कालीन आगामी एंथोलॉजी फिल्म मनोर थंगल की ट्रेलर लंच पर संगीतकार रमेश नारायण के साथ हुई एक घटना के बारे एक वीडियो सामने आया। कार्यक्रम में आसिफ अली को आयोजकों ने रमेश नारायण को एक स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाया था, जिसे रमेश नारायण ने ठुकरा दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया, जिससे रमेश नारायण की वाइपेक आलोचना और आसिफ अली के लिए समर्थन की लहरें उठी। घटना में दिखाया गया कि रमेश ने अभिनेता को अनदेखा करते हुए आसिफ के पुरस्कार लिया। आसिफ जो स्पष्ट रूप से इशारे से हैरान थे, अपनी सीट पर लौटने से पहले एक पल के लिए संगीतकार के पास खड़े रहे। फिर रमेश ने फिल्म निर्माता जयराज को जयराज से स्मृति चिन्ह देने के लिए इशारा किया और रमेश का व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। 18 जुलाई 2024 को रमेश नारायण ने इस घटना के बारे में सार्वजनिक माफी जारी की, इसे अनजाने में हुई परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके 19 जुलाई को आसिफ अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। आसिफ अली ने सुझाव दिया कि नारायण की प्रतिक्रिया व्यक्तिगत मामलों से उपजी थी और उन्होंने नारायण की प्रतिक्रिया से खुद को अपमानित महसूस करने से इनकार किया। अभिनेता के सार्वजनिक बयान में रमेश नारायण के प्रति निर्देशित ऑनलाइन उत्पीड़न की भी आलोचना की गई। अमला पॉल के लिए ही दोनों की नकारात्मक की और समीक्षकों की विवाद 22:04 की 27 जगत के लिए दिस्ताई और मछलियों के लिए। अमला पॉल का जन्म 26 अक्टूबर 1991 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। अमला एक सीरो मलाबार कैथोलिक सीरियन ईसाई परिवार से और उनका जन्म पॉल वर्गिस डी और एनिस पॉल के घर हुआ था। अमला के फिल्म उद्योग में प्रवेश के बाद उनके भाई अभिजीत पॉल में भी फिल्मों में दिखाई दी। नर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल जरवा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए एक विश्राम लिया, लेकिन तब से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल करने के लिए कोची में सेंट ट्रेजा कॉलेज में दाखिल ले रही। आमला के पिता आमला के अभिनय करियर के आगे बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके भाई ने उनकी महत्वाकांक्षा का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें अपने फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी प्रदर्शन कला है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी माँ एक गायिका थी और उनके पिता कॉलेज में थिएटर में थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीला थमारा 29 में सहायक भूमिका की पेशकश की। सफल होने के बावजूद फिल्म ने कोई और प्रस्ताव अक्सर करने में रही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और लेवल क्रॉस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। लेवल क्रॉस 22:04 की भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे नवोदित और फराज अयूब ने लिखा और निर्देशित किया। फिल्म में आसिफ अली, आमला पॉल और सराफुद्दीन हैं।
लेवल क्रॉस 26 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अरफाज अयूब, जिन्होंने पहले जेठू जोसेफ की सहायता की थी, इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करें। फिल्म के बड़े हिस्से ट्यूनिशिया में शूट किए गए थे। फिल्म का 28 मार्च 2023 को शुरू हुआ ट्यूनिशिया में और शेड्यूल 18 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। फिल्म का मोशन पोस्टर 23 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया। संगीत विशाल चंद्रशेखर की तरह रचित था। अमला पॉल ने एंट्री प्रीनीली रूपम गीत के साथ पौरिया गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। सभी गीत विनायक शशि कुमार की तरह लिखे गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि आखिर का जो चीज़ इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को दिलचस्प और रोमांस बनाती है वह यह है कि कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चना जर ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यह एक ऐसी फिल्म है जो उन दर्शकों को पुरस्कृत कर रही है जो जटिल आख्यानों और प्रतीकात्मक कहानी कहने की सराहना करते। इसका कलात्मक दृष्टिकोण इसे एक आशाजनक शुरुआत बनता है। हालांकि इसकी अपरागत शैली सभी दर्शकों को पसंद नहीं आ सकती है। टाइम्स नाउ की रोहित पनिकर ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा, केवल लेवल क्रॉस कहानी कहने का एक रोमांच और दिलचस्प प्रयोग है और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो निश्चित रूप से थिएटर में एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। OTT प्ले के संजीव सिद्धार्थ ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा, अगर आप धीमी गति से जलने वाले मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की प्रशंसक है तो अरफाज अयूब की आत्मविश्वास से भारी शुरुआत एक घड़ी अच्छा घड़ी है। लेवल क्रॉस ने दुनिया में 50 करोड़ 61 21 की कमाई की और समीक्षकों के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एडम वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन के तहत 2050 की फिल्म कोहिनूर में बतौर नर्मदा अपनी शुरुआत की। जिस सफर बाद में उन्होंने 2060 की फिल्म कवि ऊंचे शिकायत का निर्माण किया और भी विमानम और इब्लिस सहित कई फिल्मों का वितरण किया। आसिफ अली का जन्म 4 फरवरी 1969 को करी कोडे थोटू पूजा एडो की भारत में हुआ था। उन्होंने मैरियन कॉलेज कुटीतनम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान आसिफ ने विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की और वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया। आसिफ ने 1994 में जमा मजरीन से शादी की। उनके 2 बच्चे उन्हें श्यामा प्रसाद ने अपनी फिल्म ऋतु में मुख्य भूमिकाओं के से एक निभाने के लिए चुना और आलोचकों से और दर्शकों से सकारात्मक की समीक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सत्यनेठी करने अपनी फिल्म कदथुडारूनू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनकी तीसरी फिल्म सीवी मलिल की तरह निर्देशी अप्रू रागम थी। उसके बाद से उन्होंने बेस्ट ऑफ लॉ और ट्रॉफिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म राजेश कनकरा की तरह लिखित और निर्देशित एदो नामूरे कथा थी। 22 में अली ने आसिफ अबू की दूसरी फिल्म सॉल्ट एंड पेपर में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने मनु राघव की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवा चरित्र है जो अक्सर खुद को जरूरत से ज़्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश में अजीब परिस्थितियों में डाल देता है। उन्होंने डॉक्टर लव इंडियन रूप मलूसी और उस्ताद होटल में छोटी भूमिका निभाई। 2030 में वे जीन पॉल लाल की पहली निर्देशित फिल्म हनीबी में नजर आए, जहाँ उन्होंने सिविल सिटियन की भूमिका निभाई, जिसके बाद नोरी जिस जाय की बाइसिकल ट्विस्ट में काम किया। अली ने आयरम और नुमाई गीत की 4 पंक्तियाँ गाई जो मूल रूप से फाजिल के नोके दहा धुरथू करुम नटू में शामिल है। उनकी अगली रिलीज पकीरा मोसाइले कुथिरा मीनोकल और हाय आई एम टोनी थी। उन्होंने सब मस्ती तस्करा में सबाब की भूमिका निभाई और वेली मुंगा में एक छोटी भूमिका निभाई। 22 5 में वे निर्णय कम की
कोहिनूर और राजमा यहू में दिखाई दी। उनकी फिल्म अनुराग क्रिएकर वेलम 22 से इसके सुपरहिट फिल्मों से एक बन गई। उन्होंने हनीबी 2 के लिए जीन पॉल लाल के साथ फिर से काम किया। 22-3 की बॉक्स ऑफिस पर सफल हनीबी का सिक्वल। इसके बाद वे महेश नारायण की टेक ऑफ में दिखाई दी। फिल्म को दुबई के विभिन्न हिस्सों में शूट किया गया और व्यापार की आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 22-8 में उनके प्रमुख रिलीज बी टेक इवलिस और मधारम थी। बी टेक वित्तीय रूप से सफल रही। केरल में 20 दिनों तक चली। उन्होंने उस वर्ष 2019 की शुरुआत विजय सुब्रमण्यम से की जो बॉक्स ऑफिस पर सफल है। उन्होंने फिल्म उयारे में एक महारत्न की भूमिका निभाई जिसमें पावरेटी और टोनी थॉमस ने अनेक किरदार निभाए थे। उन्होंने कॉलीकॉर्ड में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म वायरस में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने शाम बशीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म केटी ओलानू एंटी मलाका में अभिनय किए जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्देशक लाल जोश ने इसे अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाई। 22-1 में उनकी प्रस्तुतियों में एलम सीरिया कुम और कुंजील डो की शामिल है। 20 जुलाई 22-4 को तत्कालीन आंगामी एंथोलॉजी फिल्म मनोर थंगल की ट्रेलर लंच पर संगीतकार रमेश नारायण के साथ हुई एक घटना के बारे एक वीडियो सामने आया। कार्यक्रम में आसिफ अली को आयोजकों ने रमेश नारायण को एक स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाया था जिसे रमेश नारायण ने ठुकरा दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया जिससे रमेश नारायण की वाइपेक आलोचना और आसिफ अली के लिए समर्थन की लहरें उठी। घटना में दिखाया गया कि रमेश ने अभिनेता को अनदेखा करते हुए आसिफ के पुरस्कार लिया। आसिफ जो स्पष्ट रूप से इशारे से हैरान थे अपनी सीट पर लौटने से पहले एक पल के लिए संगीतकार के पास खड़े रहे। फिर रमेश ने फिल्म निर्माता जयराज को जयराज से स्मृति चिन्ह देने के लिए इशारा किया और रमेश का व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। 18 जुलाई 22-4 को रमेश नारायण ने इस घटना के बारे में सार्वजनिक माफी जारी की। इसे अनजाने में हुई परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 19 जुलाई को आसिफ अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। आसिफ अली ने सुझाव दिया कि नारायण की प्रतिक्रिया व्यक्तिगत मामलों से उपजी थी और उन्होंने नारायण की प्रतिक्रिया से खुद को अपमानित महसूस करने से इनकार किया। अभिनेता के सार्वजनिक बयान में रमेश नारायण के प्रति निर्देशित ऑनलाइन उत्पीड़न की भी आलोचना की गई। अमला पॉल के लिए ही दोनों की नकारात्मक की और समीक्षकों की विवाह 22-4 की 27 जगत के लिए दिस्ताई और मछलियों के लिए। अमला पॉल का जन्म 26 अक्टूबर 1991 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। अमला एक सीरो मलाबार कैथोलिक सीरियन ईसाई परिवार से और उनका जन्म पॉल वर्गिस डी और एनिस पॉल के घर हुआ था। अमला के फिल्म उद्योग में प्रवेश के बाद उनके भाई अभिजीत पॉल में भी फिल्मों में दिखाई दी। नर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल जरवा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए एक विश्राम लिया, लेकिन तब से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल करने के लिए कोची में सेंट ट्रेजा कॉलेज में दाखिल ले लिए। आमला के पिता आमला के अभिनय करियर के आगे बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके भाई ने उनकी महत्वाकांक्षा का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें अपने फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी प्रदर्शन कला है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी माँ एक गायिका थी और उनके पिता कॉलेज में थिएटर में थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीलत हमारा 29 में सहायक भूमिका की पेशकश की। सफल होने के बावजूद फिल्म ने कोई और प्रस्ताव अक्सर करने में नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और लेवल क्रॉस मूवी को देखना पसंद करते हो
और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। लेवल क्रॉस 224 की भारतीय मलयालम भाषा की मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसे नवोदित और फराज अयूब ने लिखा और निर्देशित किया। फिल्म में आसिफ अली, आमला पाल और सराफुद्दीन हैं। लेवल क्रॉस 26 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अरफाज अयूब, जिन्होंने पहले जेठू जोसेफ की सहायता की थी, इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करें। फिल्म के बड़े हिस्से ट्यूनिशिया में शूट किए गए थे। फिल्म का 28 मार्च 2023 को शुरुआत ट्यूनिशिया में और शेड्यूल 80 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। फिल्म का मोशन पोस्टर 3 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया। संगीत विशाल चंद्रशेखर की तरह रचित था। आमला पाल ने एंट्री प्रीनीली रूपम गीत के साथ पौरिया गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। सभी गीत विनायक शशि कुमार की तरह लिखे गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि आखिर का जो चीज़ इस मनोज्ञानिक थ्रिलर को दिलचस्प और रोमांस बनाती है वह यह है कि कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चना जर ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यह एक ऐसी फिल्म है जो उन दर्शकों को पुरस्कृत करती है जो जटिल आख्यानों और प्रतीकात्मक कहानी कहने की सराहना करते। इसका कलात्मक दृष्टिकोण इससे एक असाधारण शुरुआत बनता है। हालांकि इसकी अपरागत शैली सभी दर्शकों को पसंद नहीं आ सकती है। टाइम्स नाउ की रोहित पनिकर ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा, केवल लेवल क्रॉस कहानी कहने का एक रोमांच और दिलचस्प प्रयोग है और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो निश्चित रूप से थिएटर में एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। OTT प्ले के संजीव सिद्धार्था ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, अगर आप धीमी गति से जलने वाले मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की प्रशंसक है तो अरफाज अयूब की आत्मविश्वास से भारी शुरुआत एक घड़ी अच्छा घड़ी है। लेवल क्रॉस ने दुनिया में 50 करोड़ 61 की कमाई की और समीक्षकों के लिए आसिफ अली की तरह समीक्षकों के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एडम वर्ल्ड ऑफ इमोजिनेशन के तहत 2050 की फिल्म कोहिनूर में बतौर नर्मदा अपनी शुरुआत की। जिस सफर बाद में उन्होंने 2060 की फिल्म कवि ऊँचे शिकायत का निर्माण किया और भी विमानम और इबलिस सहित कई फिल्मों का वितरण किया। आसिफ अली का जन्म 4 फरवरी 1969 को करी कोडे थोटू पूजा एडो की भारत में हुआ था। उन्होंने मैरियन कॉलेज कुटीतनम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान आसिफ ने विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की और वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया। आसिफ ने 1994 में जमा मजरीन से शादी की। उनके 2 बच्चे उन्हें श्यामा प्रसाद ने अपनी फिल्म रीतु में मुख्य भूमिकाओं के से एक निभाने के लिए चुना और आलोचकों से और दर्शकों से सकारात्मक की समीक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सत्यनेठी करने अपनी फिल्म कधा थोड़ा रूनू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनकी तीसरी फिल्म सीबी मलिल की तरह निर्देशी अप्रू रागम थी। उसके बाद से उन्होंने बेस्ट ऑफ लॉ और ट्रॉफिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म राजेश कनकरा की तरह लिखित और निर्देशित एदो नामूरे कथा थी। 22 में अली ने आसिफ अबू की दूसरी फिल्म सॉल्ट एंड पेपर में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने मनु राघव की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवा चरित्र थे जो अक्सर खुद को जरूरत से ज़्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश में अजीब परिस्थितियों में डाल देता है। उन्होंने डॉक्टर लव इंडियन रूप मलूसी और उस्ताद होटल में छोटी भूमिका निभाई। 2030 में वे जीन पॉल लाल की पहली निर्देशित फिल्म हनीबी में नजर आए जहाँ उन्होंने सिविल सिटीजन की भूमिका निभाई, जिसके बाद नोरी जिस जाय की बाइसिकल ट्विस्ट में काम किया। अली ने आयरम और नुमाई गीत की 4 पंक्तियाँ गाई जो मूल रूप से फाजिल के नोके दहा था दूर थू कर्णुम नटू में शामिल। उनकी अगली रिलीज
पाकिरा मोसाइले कुथिरा मीनूकल और हाय आई एम टोनी थी। उन्होंने सब मस्ती तस्कराहा में सबाब की भूमिका निभाई और वेली मुंगा में एक छोटी भूमिका निभाई। 22:5 में वे निर्णय कम की कोहिनूर और राजमा यहू में दिखाई दी। उनकी फिल्म अनुराग क्रिएकर वेलम 22:6 की सुपरहिट फिल्मों से एक बन गई। उन्होंने हनी बी 2 के लिए जीन पॉल लाल के साथ फिर से काम किया। 22:3 की बॉक्स ऑफिस पर सफल हनी बी का सिक्वल। इसके बाद वे महेश नारायण की टेक ऑफ में दिखाई दी। फिल्म को दुबई के विभिन्न हिस्सों में शूट किया गया और वैद्या की आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 22:8 में उनके प्रमुख रिलीज बी टेक इवलिस और मधारम थी। बी टेक वित्तीय रूप से सफल रही। किराए में 20 दिनों तक चली। उन्होंने उस वर्ष 2019 की शुरुआत विजय सुब्रमण्यम से की जो बॉक्स ऑफिस पर सफल है। उन्होंने फिल्म उयारे में एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाई जिसमें पावरेती और टोनी थॉमस ने अनेक किरदार निभाए थे। उन्होंने कॉलीकॉर्ड में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म वायरस में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने साम बसीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म केटी ओलानू एंटी मलाका में अभिनय किए जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्देशक लाल जोश ने इसे अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाई। 22:1 में उनकी प्रस्तुतियों में एलम सीरियाकुम और कुंजील डो की शामिल है। 20 जुलाई 22:4 को तत्कालीन आंगामी एंथोलॉजी फिल्म मनोर थंगल की ट्रेलर लंच पर संगीतकार रमेश नारायण के साथ हुई एक घटना के बारे एक वीडियो सामने आया। कार्यक्रम में आसिफ अली को आयोजकों ने रमेश नारायण को एक स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाया था जिसे रमेश नारायण ने ठुकरा दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया जिससे रमेश नारायण की वैपिक आलोचना और आसिफ अली के लिए समर्थन की लहरें उठी। घटना में दिखाया गया कि रमेश ने अभिनेता को अनदेखा करते हुए आसिफ के पुरस्कार लिया। आसिफ जो स्पष्ट रूप से इशारे से हैरान थे अपनी सीट पर लौटने से पहले एक पल के लिए संगीतकार के पास खड़े रहे। फिर रमेश ने फिल्म निर्माता जयराज को जयराज से स्मृति चिन्ह देने के लिए इशारा किया और रमेश का व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। 18 जुलाई 22:4 को रमेश नारायण ने इस घटना के बारे में सार्वजनिक माफी जारी की। इसे अनजाने में हुई परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 19 जुलाई को आसिफ अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। आसिफ अली ने सुझाव दिया कि नारायण की प्रतिक्रिया व्यक्तिगत मामलों से उपजी थी और उन्होंने नारायण की प्रतिक्रिया से खुद को अपमानित महसूस करने से इनकार किया। अभिनेता के सार्वजनिक बयान में रमेश नारायण की प्रति निर्देशित ऑनलाइन उत्पीड़न की भी आलोचना की गई। अमला पॉल के लिए ही दोनों की नकारात्मक की और समीक्षकों की विवाह 22:4 की 27 जगत के लिए दिस्ताई और मछलियों के लिए। अमला पॉल का जन्म 26 अक्टूबर 1991 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। अमला एक सीरो मलाबार कैथोलिक सीरियन ईसाई परिवार से और उनका जन्म पॉल वर्गिस डी और एनिस पॉल के घर हुआ था। अमला के फिल्म उद्योग में प्रवेश के बाद उनके भाई अभिजीत पॉल में भी फिल्मों में दिखाई दी। नर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल जरवा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए एक विश्राम लिया, लेकिन तब से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल करने के लिए कोचीन में सेंट टेरेसा कॉलेज में दाखिल ले लिए। आमला के पिता आमला के अभिनय करियर के आगे बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके भाई ने उनकी महत्वाकांक्षा का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें अपने फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी प्रदर्शन कला है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी माँ एक गायिका थी और उनके पिता कॉलेज में थिएटर में थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीलथमारा 29 में सहायक भूमिका की पेशकश की। सफल होने के बावजूद फिल्म ने कोई और प्रस्ताव अक्षत करने में रही।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और लेवल क्रॉस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। लेवल क्रॉस 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसे नवोदित और फराज अयूब ने लिखा और निर्देशित किया। फिल्म में आसिफ अली, आमला पाल और सराफुद्दीन हैं। लेवल क्रॉस 26 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अरफाज अयूब, जिन्होंने पहले जेठू जोसेफ की सहायता की थी, इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करें। फिल्म के बड़े हिस्से ट्यूनिशिया में शूट किए गए थे। फिल्म मकान 28 मार्च 2023 को शुरुआत ट्यूनिशिया में और शेड्यूल 80 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। फिल्म का मोशन पोस्टर 23 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया। संगीत विशाल चंद्रशेखर की तरह रचित था। आमला पाल ने एंटी प्रीनीली रूपम गीत के साथ पौर्य गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। सभी गीत विनायक शशि कुमार की तरह लिखे गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि आखिर का जो चीज़ इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को दिलचस्प और रोमांस बनाती है वह यह है कि कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चना जर ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यह एक ऐसी फिल्म है जो उन दर्शकों को पुरस्कृत करती है जो जटिल आख्यानों और प्रतीकात्मक कहानी कहने की सराहना करते। इसका कलात्मक दृष्टिकोण इसे एक असाधारण शुरुआत बनता है। हालांकि इसकी अपरागत शैली सभी दर्शकों को पसंद नहीं आ सकती है। टाइम्स नाउ की रोहित पनिकर ने इसे 5 में से 4 स्टार दी और लिखा, केवल लेवल क्रॉस कहानी कहने का एक रोमांच और दिलचस्प प्रयोग है और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो निश्चित रूप से थिएटर में एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। OTT प्ले के संजीव सिद्धार्था ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा, अगर आप धीमी गति से जलने वाले मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की प्रशंसक है तो अरफाज अयूब की आत्मविश्वास से भारी शुरुआत एक घड़ी अच्छा घड़ी है। लेवल क्रॉस ने दुनिया में 50 करोड़ 61 21 की कमाई की और समीक्षकों के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एडम वर्ल्ड ऑफ इमोजिनेशन के तहत 2050 की फिल्म कोहिनूर में बतौर नर्मदा अपनी शुरुआत की। जिस सफर बाद में उन्होंने 2060 की फिल्म कवि ऊंचे शिकायत का निर्माण किया और भी विमानम और इबलिस सहित कई फिल्मों का वितरण किया। आसिफ अली का जन्म 4 फरवरी 1969 को करी कोडे थोटू पूजा एडू की भारत में हुआ था। उन्होंने मैरियन कॉलेज कुटीतनाम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान आसिफ ने विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की और वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया। आसिफ ने 1994 में जमा मजरीन से शादी की। उनके 2 बच्चे उन्हें श्यामा प्रसाद ने अपनी फिल्म रीतु में मुख्य भूमिकाओं के से एक निभाने के लिए चुना और आलोचकों से और दर्शकों से सकारात्मक की समीक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सत्यनेठी करने अपनी फिल्म कधा थुडारूनु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनकी तीसरी फिल्म सीवी मलिल की तरह निर्देशी अप्रू रागम थी। उसके बाद से उन्होंने बेस्ट ऑफ लॉ और ट्रॉफिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म राजेश कनकरा की तरह लिखित और निर्देशित एदो नामूरी कथा थी। 22 में अली ने आसिफ अबू की दूसरी फिल्म सॉल्ट एंड पेपर में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए जिसमें उन्होंने मनु राघव की भूमिका निभाई जो एक लापरवाह युवा चरित्र थे जो अक्सर खुद को ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश में अजीब परिस्थितियों में डाल देता है। उन्होंने डॉक्टर लव इंडियन रूप मलूसी और
उस्ताद होटल में छोटी भूमिका निभाई। 2030 में वे जीन पॉल लाल की पहली निर्देशित फिल्म हनीबी में नजर आए, जहाँ उन्होंने सिविल सिटीजन की भूमिका निभाई, जिसके बाद नोरी जिस जाय की बाइसिकल ट्विस्ट में काम किया। अली ने आयरम अरनुमाई गीत की चार पंक्तियाँ गाई, जो मूल रूप से फाजिल के नोके दहा धुरथू करुम नटो में शामिल है। उनकी अगली रिलीज पकीरा मोसाइले कुथिरा मीनोकल और हाय आई एम टोनी थी। उन्होंने सब मस्ती तस्कराह में सबाब की भूमिका निभाई और वेली मुंगा में एक छोटी भूमिका निभाई। 22:5 में वे निर्णय कम की कोहिनूर और राजमा यहू में दिखाई दी। उनकी फिल्म अनुराग क्रिएकर वेलम 22:6 की सुपरहिट फिल्मों से एक बन गई। उन्होंने हनीबी 2 के लिए जीन पॉल लाल के साथ फिर से काम किया। 22:3 की बॉक्स ऑफिस पर सफल हनीबी का सिक्वल। इसके बाद वे महेश नारायण की टेक ऑफ में दिखाई दी। फिल्म को दुबई के विभिन्न हिस्सों में शूट किया गया और वैप्या की आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 22:8 में उनके प्रमुख रिलीज बी टेक इवलिस और मधारम थी। बी टेक वित्तीय रूप से सफल रही। किराए में 20 दिनों तक चली। उन्होंने उस वर्ष 2019 की शुरुआत विजय सुब्रमण्यम से की, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल है। उन्होंने फिल्म उयारे में एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाई, जिसमें पावरेटी और टोनी थॉमस ने अनेक किरदार निभाए थे। उन्होंने कॉलीकॉर्ड में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म वायरस में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने निसाम बसीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म केटी ओलानु एंटी मलाका में अभिनय किए, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्देशक लाल जोश ने इसे अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाई। 22:1 में उनकी प्रस्तुतियों में एलम सीरियाकुम और कुंजील डो के शामिल है। 20 जुलाई 22:4 को तत्कालीन आगामी एंथोलॉजी फिल्म मनोर थंगल की ट्रेलर लंच पर संगीतकार रमेश नारायण के साथ हुई एक घटना के बारे एक वीडियो सामने आया। कार्यक्रम में आसिफ अली को आयोजकों ने रमेश नारायण को एक स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाया था, जिसे रमेश नारायण ने ठुकरा दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया, जिससे रमेश नारायण की वाइफ पर एक आलोचना हुई और आसिफ अली के लिए समर्थन की लहरें उठी। घटना में दिखाया गया कि रमेश ने अभिनेता को अनदेखा करते हुए आसिफ के पुरस्कार लिया। आसिफ जो स्पष्ट रूप से इशारे से हैरान थे, अपनी सीट पर लौटने से पहले एक पल के लिए संगीतकार के पास खड़े रहे। फिर रमेश ने फिल्म निर्माता जयराज से स्मृति चिन्ह देने के लिए इशारा किया और रमेश का व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। 18 जुलाई 2024 को रमेश नारायण ने इस घटना के बारे में सार्वजनिक माफी जारी की। इसे अनजाने में हुई परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 19 जुलाई को आसिफ अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। आसिफ अली ने सुझाव दिया कि नारायण की प्रतिक्रिया व्यक्तिगत मामलों से उपजी थी और उन्होंने नारायण की प्रतिक्रिया से खुद को अपमानित महसूस करने से इनकार किया। अभिनेता के सार्वजनिक बयान में रमेश नारायण की प्रति निर्देशित ऑनलाइन उत्पीड़न की भी आलोचना की गई। अमला पॉल के लिए ही दोनों की नकारात्मक की और समीक्षकों की विवाह 22:4 की 27 जगत के लिए दिस्ताई और मछलियों के लिए। अमला पॉल का जन्म 26 अक्टूबर 1991 को केरल की एर्नाकुलम में हुआ था। अमला एक सीरो मलाबार कैथोलिक सीरियन ईसाई परिवार से और उनका जन्म पॉल वर्गिस डी और एनिस पॉल के घर हुआ था। अमला के फिल्म उद्योग में प्रवेश के बाद उनके भाई अभिजीत पॉल में भी फिल्मों में दिखाई दी। नर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल जरवर से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए एक विश्राम लिया, लेकिन तब से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल करने के लिए कोचे में सेंट ट्रेजा कॉलेज में दाखिल ले रही। आमला के पिता आमला के अभिनय करियर के
आगे बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके भाई ने उनकी महत्वाकांक्षा का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें अपने फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी प्रदर्शन कला है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी माँ एक गायिका थी और उनके पिता कॉलेज में थिएटर में थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीलथमारा 29 में सहायक भूमिका की पेशकश की। सफल होने के बावजूद फिल्म ने कोई और प्रस्ताव अक्सर करने में रही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और लेवल क्रॉस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। लेवल क्रॉस 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे नवोदित और फराज अयूब ने लिखा और निर्देशित किया। फिल्म में आसिफ अली, आमला पाल और सराफुद्दीन हैं। लेवल क्रॉस 26 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अरफाज अयूब, जिन्होंने पहले जेठू जोसेफ की सहायता की थी, इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करें। फिल्म के बड़े हिस्से ट्यूनिशिया में शूट किए गए थे। फिल्म अकान 28 मार्च 2023 को शुरू हुआ ट्यूनिशिया में और शेड्यूल 18 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। फिल्म का मोशन पोस्टर 23 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया। संगीत विशाल चंद्रशेखर की तरह रचित था। आमला पाल ने एंटी प्रीनीली रूपम गीत के साथ पौर्य गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। सभी गीत विनायक शशि कुमार की तरह लिखे गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि आखिर का जो चीज़ इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को दिलचस्प और रोमांस बनाती है वह यह है कि कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चना जर्ज ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यह एक ऐसी फिल्म है जो उन दर्शकों को पुरस्कृत करती है जो जटिल आख्यानों और प्रतीकात्मक कहानी कहने की सराहना करते। इसका कलात्मक दृष्टिकोण इसे एक असाधारण शुरुआत बनता है। हालांकि इसकी अपरागत शैली सभी दर्शकों को पसंद नहीं आ सकती है। टाइम्स नाउ की रोहित पनिकर ने इसे 5 में से 4 स्टार दी और लिखा, केवल लेवल क्रॉस कहानी कहने का एक रोमांच और दिलचस्प प्रयोग है और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो निश्चित रूप से थिएटर में एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। OTT प्ले के संजीव सिद्धार्थ ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा, अगर आप धीमी गति से जलने वाले मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की प्रशंसक है तो अरफाज अयूब की आत्मविश्वास से भारी शुरुआत एक घड़ी अच्छा घड़ी है। लेवल क्रॉस ने दुनिया में 50 करोड़ 61 21 की कमाई की और समीक्षकों के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एडम वर्ल्ड ऑफ इमोजिनेशन के तहत 2050 की फिल्म कोहिनूर में बतौर निर्माता अपनी शुरुआत की। जिस सफर बाद में उन्होंने 2060 की फिल्म कवि ऊंचे शिकायत का निर्माण किया और भी विमानम और इब्लिस सहित कई फिल्मों का वितरण किया। आसिफ अली का जन्म 4 फरवरी 1969 को करी कोडे थोटू पूजा एडू की भारत में हुआ था। उन्होंने मैरियन कॉलेज कुटीतनम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान आसिफ ने विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की और वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया। आसिफ ने 1994 में जमा मजरीन से शादी की। उनके 2 बच्चे, उन्हें श्यामा प्रसाद ने अपनी फिल्म रीतु में मुख्य भूमिकाओं के से एक निभाने के लिए चुना और आलोचकों से और दर्शकों से सकारात्मक की समीक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सत्यनेठी करने अपनी फिल्म कधा थुडारुनु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनकी तीसरी फिल्म सीवी मलिल की तरह निर्देशी अप्रू रागम थी। उसके बाद से उन्होंने बेस्ट ऑफ लव और ट्रॉफिक फिल्मों
में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म राजेश कनकरा की तरह लिखित और निर्देशित एदो नामूरे कथा थी। 22 में अली ने आसिफ अबू की दूसरी फिल्म सॉल्ट एंड पेपर में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने मनु राघव की भूमिका निभाई, जो एक लापरवाह युवा चरित्र थे जो अक्सर खुद को जरूरत से ज़्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश में अजीब परिस्थितियों में डाल देता है। उन्होंने डॉक्टर लव इंडियन रूप मलूसी और उस्ताद होटल में छोटी भूमिका निभाई। 2013 में वे जीन पॉल लाल की पहली निर्देशित फिल्म हनीबी में नजर आए, जहाँ उन्होंने सिविल सिटीजन की भूमिका निभाई, जिसके बाद नोरी जिस जाय की बाइसिकल ट्विस्ट में काम किया। अली ने आयरम और नुमाई गीत की चार पंक्तियाँ गाई, जो मूल रूप से फाजिल के नोके दहा था दूर थू करुम नटू में शामिल है। उनकी अगली रिलीज पकीरा मोसाइले कुथिरा मीनोकल और हाय आई एम टोनी थी। उन्होंने सब मस्ती तस्करा में सबाब की भूमिका निभाई और वेली मुंगा में एक छोटी भूमिका निभाई। 22-5 में वे निर्णय कम की कोहिनूर और राजमा यहू में दिखाई दी। उनकी फिल्म अनुराग क्रिएकर वेलम 22-6 की सुपरहिट फिल्मों से एक बन गई। उन्होंने हनीबी 2 के लिए जीन पॉल लाल के साथ फिर से काम किया। 22-3 की बॉक्स ऑफिस पर सफल हनीबी का सीक्वल। इसके बाद वे महेश नारायण की टेक ऑफ में दिखाई दी। फिल्म को दुबई के विभिन्न हिस्सों में शूट किया गया और वैप्या की आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 22-8 में उनके प्रमुख रिलीज बी टेक इब्लिस और मधारम थी। बी टेक वित्तीय रूप से सफल रही, केरल में 20 दिनों तक चली। उन्होंने उस वर्ष 2019 की शुरुआत विजय सुब्रमण्यम से की, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल है। उन्होंने फिल्म उयारे में एक महारुण की भूमिका निभाई, जिसमें पावरेती और टोनी थॉमस ने अनेक किरदार निभाए थे। उन्होंने कली कॉर्ड में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म वायरस में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने विसाम बसीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म केटी ओलानू एंटी मलाका में अभिनय किए, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई और आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्देशन लाल जोश ने इसे अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाई। 22-1 में उनकी प्रस्तुतियों में एलम सीरियाकुम और कुंजील डो के शामिल है। 22-4 को तत्कालीन आगामी एंथोलॉजी फिल्म मनोर थंगल की ट्रेलर लंच पर संगीतकार रमेश नारायण के साथ हुई एक घटना के बारे एक वीडियो सामने आया। कार्यक्रम में आसिफ अली को आयोजकों ने रमेश नारायण को एक स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाया था, जिसे रमेश नारायण ने ठुकरा दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया, जिससे रमेश नारायण की वाइफ एक आलोचना और आसिफ अली के लिए समर्थन की लहरें उठी। घटना में दिखाया गया कि रमेश ने अभिनेता को अनदेखा करते हुए आसिफ के पुरस्कार लिया। आसिफ जो स्पष्ट रूप से इशारे से हैरान थे, अपनी सीट पर लौटने से पहले एक पल के लिए संगीतकार के पास खड़े रहे। फिर रमेश ने फिल्म निर्माता जयराज को जयराज से स्मृति चिन्ह देने के लिए इशारा किया और रमेश का व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। 18 जुलाई 2024 को रमेश नारायण ने इस घटना के बारे में सार्वजनिक माफी जारी की। इसे अनजाने में हुई परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 19 जुलाई को आसिफ अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। आसिफ अली ने सुझाव दिया कि नारायण की प्रतिज्ञा व्यक्तिगत मामलों से उपजी थी और उन्होंने नारायण की प्रतिज्ञा से खुद को अपमानित महसूस करने से इनकार किया। अभिनेता के सार्वजनिक बयान में रमेश नारायण के प्रति निर्देशित ऑनलाइन उत्पीड़न की भी आलोचना की गई। अमला पॉल के लिए ही दोनों की नकारात्मक की और समीक्षकों की विवाद 22-4 की 27 जगत के लिए दिस्ताई और मछलियों के लिए। अमला पॉल का जन्म 26 अक्टूबर 1991 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। अमला एक सीरो मलाबार कैथोलिक सीरियन ईसाई परिवार से और उनका जन्म पॉल वर्गिस डी और एनिस पॉल के घर हुआ था। अमला के फिल्म उद्योग में प्रवेश के बाद उनके भाई
अभिजीत पॉल में भी फिल्मों में दिखाई दी। नर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल जरवा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए एक विश्राम लिया, लेकिन तब से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल करने के लिए कोचिंग में सेंट ट्रेजा कॉलेज में दाखिले लिए। आमला के पिता आमला के अभिनय करियर के आगे बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके भाई ने उनकी महत्वाकांक्षा का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें अपने फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी प्रदर्शन कला है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी माँ एक गायिका थी और उनके पिता कॉलेज में थिएटर में थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीला थमारा 29 में सहायक भूमिका की पेशकश की। सफल होने के बावजूद फिल्म ने कोई और प्रस्ताव अक्सर करने में रही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और लेवल क्रॉस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। लेवल क्रॉस 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे नवोदित और फराज अयूब ने लिखा और निर्देशित किया। फिल्म में आसिफ अली, आमला पाल और सराफुद्दीन हैं। लेवल क्रॉस 26 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अरफाज अयूब, जिन्होंने पहले जेठू जोसेफ की सहायता की थी, इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करें। फिल्म के बड़े हिस्से ट्यूनिशिया में शूट किए गए थे। फिल्म का 28 मार्च 2023 को शुरू हुआ ट्यूनिशिया में और शेड्यूल 80 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। फिल्म का मोशन पोस्टर 3 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया। संगीत विशाल चंद्रशेखर की तरह रचित था। आमला पॉल ने एंट्री प्रीनीली रूपम गीत के साथ पौर्य गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। सभी गीत विनायक शशि कुमार की तरह लिखे गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि आखिर का जो चीज़ इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को दिलचस्प और रोमांस बनाती है वह यह है कि कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चना जर ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यह एक ऐसी फिल्म है जो उन दर्शकों को पुरस्कृत करती है जो जटिल आख्यानों और प्रतीकात्मक कहानी कहने की सराहना करते। इसका कलात्मक दृष्टिकोण इसे एक असाधारण शुरुआत बनता है। हालांकि इसकी अपरागत शैली सभी दर्शकों को पसंद नहीं आ सकती है, टाइम्स नाउ की रोहित पनिकर ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा, केवल लेवल क्रॉस कहानी कहने का एक रोमांच और दिलचस्प प्रयोग है और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो निश्चित रूप से थिएटर में एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। OTT प्ले के संजीव सिद्धार्थ ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा, अगर आप धीमी गति से जलने वाले मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की प्रशंसक है तो अरफाज अयूब की आत्मविश्वास से भारी शुरुआत एक घड़ी अच्छा घड़ी है। लेवल क्रॉस ने दुनिया में 50 करोड़ 61 21 की कमाई की और समीक्षकों के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एडम वर्ल्ड ऑफ इमोजिनेशन के तहत 2050 की फिल्म कोहिनूर में बतौर नर्मदा अपनी शुरुआत की। जिस सफर बाद में उन्होंने 2060 की फिल्म कवि ऊंचे शिकायत का निर्माण किया और भी विमानम और इब्लिस सहित कई फिल्मों का वितरण किया। आसिफ अली का जन्म 4 फरवरी 1969 को करी कोडे थोटू पूजा एडो की भारत में हुआ था। उन्होंने मैरियन कॉलेज कुटीतनम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान आसिफ ने विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की और वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया। आसिफ ने 1994 में जमा मजरीन से शादी की। उनके 2 बच्चे उन्हें श्यामा प्रसाद ने अपनी फिल्म रीतु में मुख्य भूमिकाओं के से एक निभाने के लिए चुना और आलोचकों से और दर्शकों से सकारात्मक की समीक्षा प्राप्त की।
उसके बाद उन्होंने सत्य नेठी कर ने अपनी फिल्म कधा थोड़ा रूनू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनकी तीसरी फिल्म सीबी मलिल की ग्रह निर्देशी अप्रू रागम थी। उसके बाद से उन्होंने बेस्ट ऑफ लव और ट्रॉफिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म राजेश कनकरा की तरह लिखित और निर्देशित एरो नामूरे कथा थी। 22 में अली ने आसिफ अबू की दूसरी फिल्म शॉर्ट एंड पेपर में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने मनु राघव की भूमिका निभाई, जो एक लापरवाह युवा चरित्र थे जो अक्सर खुद को जरूरत से ज़्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश में अजीब परिस्थितियों में डाल देता है। उन्होंने डॉक्टर लव इंडियन रूप मलूसी और उस्ताद होटल में छोटी भूमिका निभाई। 2030 में वे जीन पॉल लाल की पहली निर्देशित फिल्म हनीबी में नजर आए, जहाँ उन्होंने सिवे सिटियन की भूमिका निभाई, जिसके बाद उन नोरी जिस जाय की बाइसिकल ट्विस्ट में काम किया। अली ने आयरम और नुमाई गीत की चार पंक्तियाँ गाई, जो मूल रूप से फाजिल के नोके दहा थुरथु करनुम नटू में शामिल है। उनकी अगली रिलीज पकीरा मोसाइले कुथिरा मीनुकल और हाय आई एम टोनी थी। उन्होंने सब मस्ती तस्करा में सबाब की भूमिका निभाई और वेली मुंगा में एक छोटी भूमिका निभाई। 22-5 में वे निर्णय कम की कोइनूर और राजमा यहू में दिखाई दी। उनकी फिल्म अनुराग क्रिएकर वेलम 22-6 के सुपरहिट फिल्मों से एक बन गई। उन्होंने हनीबी 2 के लिए जीन पॉल लाल के साथ फिर से काम किया। 22-3 की बॉक्स ऑफिस पर सफल हनीबी का सिक्वल। इसके बाद वे महेश नारायण की टेक ऑफ में दिखाई दी। फिल्म को दुबई के विभिन्न हिस्सों में शूट किया गया और वैप्या की आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 22-8 में उनके प्रमुख रिलीज बी टेक इवलिस और मधारम थी। बी टेक वित्तीय रूप से सफल रही, केरल में 20 दिनों तक चली। उन्होंने उस वर्ष 2019 की शुरुआत विजय सुब्रमण्यम से की, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल है। उन्होंने फिल्म उयारे में एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाई, जिसमें पावरेती और टोनी थॉमस ने अनेक किरदार निभाए थे। उन्होंने कॉलीकॉर्ड में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म वायरस में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने विसाम बसीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म केटी ओलानू एंटी मलाका में अभिनय किए, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा प्रपात की। निर्देशक लाल जोस ने इसे अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाई। 22-1 में उनकी प्रस्तुतियों में एलम सीरियाकुम और कुंजील डो के शामिल है। 20 जुलाई 22-4 को तत्कालीन आंगामी एंथोलॉजी फिल्म मनोर थंगल की ट्रेलर लंच पर संगीतकार रमेश नारायण के साथ हुई एक घटना के बारे एक वीडियो सामने आया। कार्यक्रम में आसिफ अली को आयोजकों ने रमेश नारायण को एक स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाया था, जिसे रमेश नारायण ने ठुकरा दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया, जिससे रमेश नारायण की वाइपेक आलोचना और आसिफ अली के लिए समर्थन की लहरें उठी। घटना में दिखाया गया कि रमेश ने अभिनेता को अनदेखा करते हुए आसिफ के पुरस्कार लिया। आसिफ जो स्पष्ट रूप से इशारे से हैरान थे, अपनी सीट पर लौटने से पहले एक पल के लिए संगीतकार के पास खड़े रहे। फिर रमेश ने फिल्म निर्माता जयराज को जयराज से स्मृति चिन्ह देने के लिए इशारा किया और रमेश का व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। 18 जुलाई 22-4 को रमेश नारायण ने इस घटना के बारे में सार्वजनिक माफी जारी की। इसे अनजाने में हुई परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 19 जुलाई को आसिफ अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। आसिफ अली ने सुझाव दिया कि नारायण की प्रतिक्रिया व्यक्तिगत मामलों से उपजी थी और उन्होंने नारायण की प्रतिक्रिया से खुद को अपमानित महसूस करने से इनकार किया। अभिनेता के सार्वजनिक बयान में रमेश नारायण के प्रति निर्देशित ऑनलाइन उत्पीड़न की भी आलोचना की गई। अमला पॉल के लिए ही दोनों की नकारात्मक की और समीक्षकों की विवाह 22-4 की 27 जगत के लिए दिस्ताई और मछलियों के लिए
अमला पॉल का जन्म 26 अक्टूबर 1991 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। अमला एक सीरो मलाबार कैथोलिक सीरियन ईसाई परिवार से और उनका जन्म पॉल वर्गिस डी और एनिस पॉल के घर हुआ था। अमला के फिल्म उद्योग में प्रवेश के बाद उनके भाई अभिजीत पॉल में भी फिल्मों में दिखाई दी। नर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल जरवा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए एक विश्राम लिया, लेकिन तब से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल करने के लिए कोची में सेंट टेरेसा कॉलेज में दाखिल ले रही। अमला के पिता अमला के अभिनय करियर के आगे बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके भाई ने उनकी महत्वाकांक्षा का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें अपने फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी प्रदर्शन कला है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी माँ एक गायिका थी और उनके पिता कॉलेज में थिएटर में थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल जोश ने उन्हें अपनी फिल्म नीलथमारा 29 में सहायक भूमिका की पेशकश की। सफल होने के बावजूद फिल्म ने कोई और प्रस्ताव अक्सर करने में नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और लेवल क्रॉस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। लेवल क्रॉस 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे नवोदित और फराज अयूब ने लिखा और निर्देशित किया। फिल्म में आसिफ अली, आमला पॉल और सराफुद्दीन हैं। लेवल क्रॉस 26 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अरफाज अयूब, जिन्होंने पहले जेठू जोसेफ की सहायता की थी, इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करें। फिल्म के बड़े हिस्से ट्यूनिशिया में शूट किए गए थे। फिल्म का 28 मार्च 2023 को शुरू हुआ ट्यूनिशिया में और शेड्यूल 80 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। फिल्म का मोशन पोस्टर 3 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया। संगीत विशाल चंद्रशेखर की तरह रचित था। अमला पॉल ने एंट्री प्रीनीली रूपम गीत के साथ पौरिया गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। सभी गीत विनायक शशि कुमार की तरह लिखे गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि आखिर का जो चीज़ इस मनोज्ञानिक थ्रिलर को दिलचस्प और रोमांस बनाती है वह यह है कि कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चना जर ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यह एक ऐसी फिल्म है जो उन दर्शकों को पुरस्कृत करती है जो जटिल आख्यानों और प्रतीकात्मक कहानी कहने की सराहना करते। इसका कलात्मक दृष्टिकोण इससे एक असाधारण शुरुआत बनता है। हालांकि इसकी अपरागत शैली सभी दर्शकों को पसंद नहीं आ सकती है। टाइम्स नाउ की रोहित पनिकर ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा, केवल लेवल क्रॉस कहानी कहने का एक रोमांच और दिलचस्प प्रयोग है और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो निश्चित रूप से थिएटर में एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। OTT प्ले के संजीव सिद्धार्थ ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा, अगर आप धीमी गति से जलने वाले मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की प्रशंसक है तो अरफाज अयूब की आत्मविश्वास से भारी शुरुआत एक घड़ी अच्छा घड़ी है। लेवल क्रॉस ने दुनिया में 50 करोड़ 61 21 की कमाई की और समीक्षकों के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एडम वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन के तहत 2050 की फिल्म कोहिनूर में बतौर नर्मदा अपनी शुरुआत की। जिस सफर बाद में उन्होंने 2060 की फिल्म कवि ऊँचे शिकायत का निर्माण किया और भी विमानम और इब्लिस सहित कई फिल्मों का वितरण किया। आसिफ अली का जन्म 4 फरवरी 1969 को करी कोडे
थोटू पूजा एडो की भारत में हुआ था। उन्होंने मैरियन कॉलेज कुटीतनाम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान असित ने विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की और वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया। आसिफ ने 1994 में जमा मजरेन से शादी की। उनके दो बच्चे उन्हें सहमा श्यामा प्रसाद ने अपनी फिल्म रीतु में मुख्य भूमिकाओं के से एक निभाने के लिए चुना और आलोचकों से और दर्शकों से सकारात्मक की समीक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सत्यनेठी करने अपनी फिल्म कधा थोड़ा रूनू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनकी तीसरी फिल्म सीबी मलिल की ग्रह निरेशी अप्रू रागम थी। उसके बाद से उन्होंने बेस्ट ऑफ लॉ और ट्रॉफिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म राजेश कनकरा की तरह लिखित और निर्देशित एदो नामूरे कथा थी। 22 में अली ने आसिफ अबू की दूसरी फिल्म सॉल्ट एंड पेपर में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने मनु राघव की भूमिका निभाई, जो एक लापरवाह युवा चरित्र थे जो अक्सर खुद को जरूरत से ज़्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश में अजीब परिस्थितियों में डाल देता है। उन्होंने डॉक्टर लव इंडियन रूप मलूसी और उस्ताद होटल में छोटी भूमिका निभाई। 2030 में वे जीन पॉल लाल की पहली निर्देशित फिल्म हनीबी में नजर आए, जहाँ उन्होंने सिविल सिटियन की भूमिका निभाई, जिसके बाद नोरी जिस जाय की बाइसिकल ट्विस्ट में काम किया। अली ने आयरम और नुमाई गीत की चार पंक्तियाँ गाई, जो मूल रूप से फाजिल के नोके दहा थू करुम नटू में शामिल है। उनकी अगली रिलीज पकीरा मोसाइले कुथिरा मीनोकल और हाय आई एम टोनी थी। उन्होंने सब मस्ती तस्कराहा में सबाब की भूमिका निभाई और वेली मुंगा में एक छोटी भूमिका निभाई। 22:5 में वे निर्णय कम की कोइनूर और राजमा यहू में दिखाई दी। उनकी फिल्म अनुराग क्रिएकर वेलम 22:6 की सुपरहिट फिल्मों से एक बन गई। उन्होंने हनीबी 2 के लिए जीन पॉल लाल के साथ फिर से काम किया। 22:3 की बॉक्स ऑफिस पर सफल हनीबी का सिक्वल। इसके बाद वे महेश नारायण की टेक ऑफ में दिखाई दी। फिल्म को दुबई के विभिन्न हिस्सों में शूट किया गया और वैद्या की आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 22:8 में उनके प्रमुख रिलीज बी टेक इवलिस और मधारम थी। बी टेक वित्तीय रूप से सफल रही। केरल में 20 दिनों तक चली। उन्होंने उस वर्ष 2019 की शुरुआत विजय सुब्रमण्यम से की, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल है। उन्होंने फिल्म उयारे में एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाई, जिसमें पावरेटी और टोनी थॉमस ने अनेक किरदार निभाए थे। उन्होंने कॉलीकॉर्ड में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म वायरस में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने साम बशीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म केटी ओलानू एंटी मलाका में अभिनय किए, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्देशक लाल जोश ने इसे अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाई। 22:1 में उनकी प्रस्तुतियों में एलम सीरियाकुम और कुंजील डो की शामिल है। 20 जुलाई 22:4 को तत्कालीन आंगामी एंथोलॉजी फिल्म मनोर थंगल की ट्रेलर लंच पर संगीतकार रमेश नारायण के साथ हुई एक घटना के बारे एक वीडियो सामने आया। कार्यक्रम में आसिफ अली को आयोजकों ने रमेश नारायण को एक स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाया था, जिसे रमेश नारायण ने ठुकरा दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया, जिससे रमेश नारायण की वैपिक आलोचना और आसिफ अली के लिए समर्थन की लहरें उठी। घटना में दिखाया गया कि रमेश ने अभिनेता को अनदेखा करते हुए आसिफ के पुरस्कार लिया। आसिफ जो स्पष्ट रूप से इशारे से हैरान थे अपनी सीट पर